तो सभी को वेलकम। और थोड़ा वेट करें आप लोग, ठीक है? अभी मैं कुछ नहीं बोलूंगा, पहले शेयर करके आते हैं ग्रुप में, लिंक जो है उसको शेयर करते हैं, देन वापस आते हैं। एक मिनट। थोड़ा वेट करें। चलिए, थोड़ा वेट करें, अभी हो जाएगा। ठीक है, मैं बोलना चाहूंगा कि जो पहला वाला ग्रुप है, ठीक है, जो पहला ग्रुप है, तो उसमें जो मेरा दूसरा नंबर है तो वो ज्वाइन नहीं हो रहा है। उसका मतलब है कि ऑब्वियसली ग्रुप पूरा फुल है। तो पहला जो अल्ट्रा एडवांस सॉफ्ट वाला ग्रुप है, वहां पे कोई भी अगर शेयर कर देगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, मैंने पार्ट टू वाला ग्रुप पे मैंने शेयर कर दिया, वहां पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि 257 लास्ट है ग्रुप का लिमिट, तो वो क्रॉस हो गया है, तो मैं वहां पे एंटर नहीं हो पा रहा हूं। सभी ग्रुप पे देना बहुत ही जरूरी है एक्चुअली। एक मिनट। तो आप लोगों का कमेंट पहले देखते हैं। और शिल्पी जी, हो सके तो आप जो अल्ट्रा एडवांस जो ग्रुप है, मतलब पहला ग्रुप जिसमें आप लोग हैं, उसमें आप लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा ग्रुप तो नया हुआ है, अभी कल ही हुआ है, तो वो पूरा फुल है, तो वहाँ पे मैं एंटर नहीं कर पाया। ठीक है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप है। शिल्पी जी हेलो, सुमन मुखर्जी जी हेलो, कैसे हैं? जहीरा जी हेलो, शेयर कर दीजिए वीडियो को सबसे पहले। ठीक है, और ये एक्चुअल में तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले मैंने रेडी करके रखा है डिफरेंट पेपर्स, यहाँ पे देख सकते हैं। ऑलमोस्ट मैंने बहुत चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट कर दिया है, बट ये मेरा काम का भी नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये वर्कशॉप के बाद पढ़ाई रहेगा, फ्री डेमोस में आएगा, बट अननेसेसरी बहुत कुछ मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली मंगवाया है ताकि एक टेस्ट देता हूँ, देख सकते हैं डिफरेंट ब्रांड्स है, तो इसमें मैं पहले तो टेस्ट करूंगा, उसके बाद पीछे लगा हुआ है कंप्लीट, जो बेस्ट पेपर है सिलेक्ट किया है मैंने वो लगा हुआ है, तो शेयर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। श्रद्धा जी, शंटी जी हेलो, उमा जी हेलो, सोनाली जी हेलो, कैसे हैं? शेयर कर दीजिए। वंदना जी हेलो, सोनल खक्कर जी हेलो, मीना जी हेलो, कैसे हैं? वंदना जी, वंदना महेश्वरी हेलो, नए हैं तो वेलकम और फॉलो कीजिए पेज को। मधु सिंह भी हेलो, कैसे हैं? पंपा जी गुड इवनिंग, लक्ष्मी जी कैसे हैं? गुड इवनिंग, चित्रा जी हेलो, अलीखिया जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? सुनीता, सुनीता जी लगता है नए हैं आप, और अगर पुराना है तो अच्छी बात है, तो शेयर कर सकते हैं ग्रुप को, सारे ग्रुप पे, और वैसे भी आप शेयर ही कर सकते हैं। आप लोगों का जो प्राइवेट पेज होता है फेसबुक का, मतलब जो प्रोफाइल होता है, वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं, चाहे तो आप कल या परसों उसको डिलीट कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बोला था, तो बहुत लोगों को इससे होगा क्या, एक बूस्ट मिलेगा इस वीडियो को, तो और भी बहुत लोग ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, स्वाति जी हेलो, रानिया मित्रा जी हेलो, कैसे हैं? मधु जी हेलो, स्वाति जी, स्वाति गुप्ता जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। मनीषा पंजाबी हेलो, कैसे हैं आप? अरे बहुत सारे मैसेज है। सीमा जी हेलो,
रमनदीप जी, रमनदीप कौर, हेलो, फॉलो कीजिए अगर नए हैं तो पेज को, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को सब कुछ मिलेगा जितना अपकमिंग जो आने वाला है और हमेशा आएगा, लाइफ टाइम फ्री और पेड दोनों, ये ज़्यादातर फ्री आता है, पेड का क्वांटिटी कम है, तो आप लोग मज़ा ले सकते हैं इसका। ज्वाइन कर लीजिए, सबसे पहले जो ग्रुप्स है डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे सारे ग्रुप्स टेलीग्राम से लेके व्हाट्सएप ग्रुप तक मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। वेंकटा जी हेलो, गुड इवनिंग। एजवीर जी हेलो, मधु जी थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए। राजदीप गुड्डू कैसे हो भाई, थैंक यू सो मच। चलिए सबसे पहले मैं पेपर्स जो है यहाँ पे बहुत सारे, और मैं चाहता तो और भी दे देता, बट उससे होगा क्या, कंफ्यूज हो जाएगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रांड्स का जो है वो कमी नहीं है, ढेरों ब्रांड्स है अमेजोन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे, मतलब कमी नहीं है, बट ज़्यादा दूंगा तो कन्फ्यूजन एक पैदा हो जाता है और कोई फ़ायदा भी नहीं है। कुछ सिलेक्टेड ब्रांड्स है जिस पे मुझे भरोसा है, तो नाम ले लूँगा, आप लोग देख लेना। और बट मैं फिर भी बोलना चाहूँगी उसमें से भी कुछ उतना खास नहीं है, मुझे उतना खास नहीं लगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है ये आपका, और आर्टमेट का लिंक दिया हुआ है, आप लोग चाहे तो वहाँ पे, और जैसा मैं हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ, आप लोग वहाँ से कोई भी मटेरियल्स हो, यूनिक मटेरियल्स हो जो इंडिया में नहीं मिलता, वो लोग मैनेज कर देंगे आप लोगों के लिए, तो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हो गया ब्रूस्ट्रो वाला, ब्रूस्ट्रो का आप बहुत ही फेमस है ऑब्वियसली, किसको नहीं बताया, तो पेपर्स वगैरह में बहुत ही अच्छा है, बट देख सकते हैं ये आर्टमेट से भेजा गया है, ये स्मॉल पीस है इसका, मैं आप लोगों को बोलता हूँ एक्चुअली क्या मिस्टेक किया मैंने, ये बहुत बड़ा वाला है, मैंने रिव्यू देखा यूट्यूब पे, तो इसलिए यूट्यूब पे जो है बहुत लोग आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं यूट्यूब पे, बट कभी कभार जो होता है उतना भरोसा नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ट्रस्टेड वीडियोज़ भी मिल जाएंगे, आर्टिस्ट ऐसे हैं बहुत सारे हैं नो डाउट, बट हमेशा वो काम नहीं रहता। यूट्यूब से मैंने देख के ये लिया था, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं था। देखिए बड़ा वाला, ये छोटा वाला है, इसका प्राइस है आपका 370 या फिर ऐसा कुछ होगा, 370 ऑलमोस्ट 300 बोल सकते हैं, देखिए कितना छोटा है फिर भी, और ये तो आप सोच सकते हैं कि कितना हो सकता है इसका, 600 पड़ गया, और 600 जो है पूरा पानी में गया, क्यों मैं दिखाऊंगा आप लोग, देख सकते हैं पेस्टल वाला, बिल्कुल पेस्टल का है, तो इसलिए पेस्टल का जो ये पेस्टल से किया हुआ है, हॉर्स है ये, एक ऑलमोस्ट एब्स्ट्रैक्ट स्टाइल में है पेस्टल का, आप देख ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ही बुरा है, बट जो चीज़ें हम करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही अल्ट्रा रियलिस्टिक होने वाला है, ऑब्वियसली हाइपर रियलिज्म में है, तो उसके लिए थोड़ा सा स्मूथनेस ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हो गया, ये दोनों एक ही है, मुझे उतना खास नहीं लगा, आप लोगों को डेमो दे दूंगा मैं, आप लोग चीप बोल रहे थे, बट देखिए सब चीज़ों में आप अगर चीप मटेरियल्स यूज़ करेंगे कभी कभार थोड़ा स्पेंड करना पड़ता है, और कोई ऑप्शन नहीं होता है। ये जो पेपर है सबसे सस्ता है, देख सकते हैं यहाँ पे पोर्ट्रेट का ये सिंबल है, दैट मीन्स ये पोर्ट्रेट के लिए स्पेशल है, या फिर आप मान लीजिए कोई भी पोर्ट्रेट का अगर पेपर होता है तो वो बहुत ही सेंसिटिव और उसमें बहुत ही पोर्ट्रेट का जो कोई भी मटेरियल्स हो, चाहे वो पोर्ट्रेट स्पेशलिस्ट कोई भी अगर सरफेस हो स्पेशल, वहाँ पे अगर मेंशन किया हुआ कि पोर्ट्रेट के लिए है ये, ठीक है, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत ही अच्छा होता है नो डाउट, क्योंकि पोर्ट्रेट एक बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट बोल सकते हैं, उसके लिए बहुत ही क्वालिटी का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, देख सकते हैं आप लोग। तो ये जो है इसका नाम है आर्ट एसेंशियल, आई होप कि आर्टमेंट में मिल जाएगा, नहीं मिला तो आप लोगों को अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से मैं लिंक दे दूंगा, आज रात को ही दे दूंगा, वेट करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ये आपका बहुत ही बेस्ट है, मेरे ख्याल से तो बेस्ट है, ग्रे पेपर है और प्राइस बहुत ही चौंकाने वाला है, ऑलमोस्ट 130 में आप लोगों को मिल जाएगा, 10 शीट A3, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही हाफ हाफ से भी कम बोल सकते हैं, जो ब्रूस्टर वाला मैंने लिया था उससे 3 गुना कम है, और ऊपर से रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, GSM थोड़ा सा कम है, मायने नहीं रखता, ठीक है। ये पेस्टल करेंगे उसमें रगड़ना थोड़ा सा कम पड़ता है, हाथ से ही करते हैं, अब कलर पेंसिल या फिर ग्रेफाइट से होता क्या है, उसका जो लेड होता है बहुत ही शार्प होता है, उसके इसमें GSM थोड़ा सा हाई लगता है नो डाउट, आप लोगों को पता है, क्योंकि पेज डैमेज होने का एक चांसेस रहता है, ठीक है। बट पेस्टल में अगर आपका GSM कम भी हो तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, स्केच थोड़ा सा लाइटली कीजिए, जो कि हमेशा करना चाहिए, स्केच का अभी तक आया नहीं बट आ जाएगा, ठीक है, तो स्केच हमेशा लाइटली कीजिए, हमेशा करना चाहिए स्केच, देन GSM कोई मायने नहीं रखता, पेज का क्वालिटी सरफेस पेस्टल में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, मैं कलर का भी नहीं बोलूँगा, कलर का दो कलर का मतलब एक ही ब्रांड मैंने चूज़ किया है पेंसिल के लिए, जो पेस्टल पेंसिल होता है उसका, वो फ्रेंच है, फ्रेंच मेड है, मतलब पेरिस से बिलोंग करता है, उसका नाम है क्वांटिए पेरिस, आप लोग सर्च कर सकते हैं, फ्रेंच मेड ब्रांड है,
तो बहुत ज़्यादा मैं कॉस्टली नहीं बोलूँगा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है तो आप लोग कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हैं उस केस में, मैं बोल दूंगा। तो यहाँ पे ब्रिस्टल पेपर आप लोगों ने सुना ही होगा, अल्ट्रा स्मूथ ब्रिस्टल पेपर, कैनसन का भी आता है। देन यहाँ पे एक्चुअली ओपन करना पड़ता है मुझे, और आपको दूसरे ब्रांड्स का भी मिल जाएगा। तो अब देखिए, जो ब्रिस्टल पेपर होता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, बट प्रॉब्लम क्या है मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए, ये आपका ब्रांड हो गया फ्लुएंट, देख सकते हैं ब्रिस्टल पेपर एक्स्ट्रा स्मूथ। कभी कभार ये अलग अलग ब्रांड में अल्ट्रा स्मूथ या फिर हैवी स्मूथ ऐसा बोला जाता है, वो मेंशन करते हैं अलग टाइप के, बट ये अल्ट्रा स्मूथ ही होता है, वन ऑफ द स्मूथ पेपर बोल सकते हैं इसको। इसका प्रॉब्लम है कि ये बाइंड किया हुआ नहीं होता, ये देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ है। ठीक है, इसमें भी मैंने किया, बट इसका भी एक प्रॉब्लम है कि हद से ज़्यादा स्मूथ है, पेस्टल को होल्ड ही नहीं कर पाता। तो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखें, सॉफ्ट पेस्टल के लिए बहुत ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथ, ठीक है, यूज़ कभी मत कीजिए, क्योंकि वो होल्ड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक पाउडरी मीडियम है, उसके लिए थोड़ा सा टेक्स्चर नहीं चाहिए। ब्रूस्टो वाला जो है, ये जो है आपका, ये डेडिकेटेड पेस्टल का है, बट इसमें होगा क्या, जो हम लोग करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही हाइपर रियलिज्म बोल सकते हैं, ऑब्वियसली अल्ट्रा रियलिस्टिक होगा, तो इसके लिए इतना भी टेक्सचर ठीक नहीं है। तो उससे होगा क्या, डिटेल जो है उसमें टेक्सचर आ जाएगा, डिटेल वगैरह में, तो आप लोगों को वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। एक बिगनर्स के लिए ठीक है, अगर आपको थोड़ा टेक्सचर टाइप का चाहिए वर्क, तो तब ठीक है, बट ये जो है ये आपका स्पेशली कलर पेंसिल के लिए ठीक है। मान लीजिए प्रिज्मा कलर से आपने हाइपरलिज्म किया, या फिर ग्रेफाइट से आपने किया, चारकोल से किया, सुपर स्मूथ है, ठीक है, बट पेस्टल इसको होल्ड नहीं कर पाएगा, मतलब फॉल हो जाएगा, ऑब्वियसली टेक्सचर नहीं है, एकदम अल्ट्रा स्मूथ है। पेस्टल एक पाउडर मीडियम होता है, तो ऑब्वियसली जब आप करेंगे वो झड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं है, तो इसका भी कोई फायदा नहीं है। अब आपका फाइनल जो पेपर है ये है, मैंने सोचा था कि इसका भी मैंने रिव्यू देखा, तो इसको भी मैंने मिक्स मीडिया पेपर है अनुपमा का, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है, तो ये मैं ऐसे खुद से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिक्स मीडिया पेपर है, मैंने सोचा कि नहीं इसमें भी अच्छा ही होगा, बट इसमें भी मुझे ये एक नॉर्मल जो एवरेज पेपर होता है, चार्ट पेपर या फिर आप बोल सकते हैं जो आइवरी शीट होता है, वैसा ही फील आया। तो कोई फायदा नहीं, इतना महंगा पेपर खरीद तो कोई फायदा है नहीं, आप लोग चार्ट पेपर पे ही कर सकते हैं, इससे करने से अच्छा चार्ट पेपर पे कर लीजिए। तो यहाँ पे अब देखिए, जो सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है, तो बहुत लोगों ने, कुछ लोगों को 300 से मिल गया था, ऑब्वियसली मिल भी जाता है, तो ट्रस्ट में, या 300 वाला जो सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल होता है एकदम बेकार है। और ये आपका कैमल का, ऑब्वियसली ये अच्छा है, क्योंकि देखिए ये स्टिक है, आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये तो आपको चाहिए, क्योंकि ये पेस्टल स्टिक के बिना आप कर ही नहीं पाएंगे। ये आपका कैमल का हो गया, नो डाउट, आग बंद करके आप कैमल का खरीद सकते हैं, नो प्रमोशन, कोई प्रमोशन नहीं है। और क्योंकि कैमल से अगर आपको अच्छा चाहिए तो ऑलमोस्ट एक ही होता है, बट दाम का, मतलब प्राइस का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ा सा हाई हो जाएगा, उससे अच्छा कैमल ही ले लीजिए, ठीक है। बट पेस्टल पेंसिल का ज़रूरत क्यों होता है, क्योंकि हम लोग रियलिज्म में करेंगे, बहुत ही अल्ट्रा रियलिस्टिक होगा, तो उसमें बहुत सारे हमेशा आपको चाहिए, एक्चुअली अगर आप पेस्टल का करते हैं डेडिकेटेडली तो आपको पेस्टल पेंसिल चाहिए ही, ठीक है। और कभी कभार होता क्या, हम लोग के पास होता नहीं है, तो उस केस में बहुत लोग, मैं भी कभी कभार यूज़ करता हूँ, तो उस केस में मैं कलर पेंसिल यूज़ कर देता हूँ, मतलब जहाँ पे आप पेस्टल स्टिक को, एक चीज़ दिखा देता हूँ, वीडियो को ध्यान से देखिए, मतलब थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट नॉलेज मिल जाएगा आप लोगों को, मतलब पेस्टल को कैसे यूज़ करना है, यही मतलब मेथड है जो मैं बोल रहा हूँ, और वीडियो बनाने का यही मकसद है कि जो लोग वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे या फिर नहीं भी करेंगे तो नॉलेज मिल जाएगा पेस्टल के ऊपर, मटेरियल्स के ऊपर, ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें जब भी आप कोई पेस्टल वर्क स्टार्ट करें। सुरुचि जी क्या बोल रहे हैं, कलर सेट जो है यहाँ पे 20 शेड है, आप चाहे तो थोड़ा सा और ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर है, 20 से भी हो जाएगा। तो ये देखिए स्टिक है, तो इसमें होता क्या, कोई भी अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं, मान लीजिए ये यहाँ पे हो गया एक का बर्ड का पिक्चर, तो आपने बहुत ही अच्छे से किया, ठीक है, ये बड़ा एरिया है, तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से किया आपने, मान लीजिए ये रेड कलर है, तो आप अच्छे से किया आपने, तो ऐसे ब्लेंडिंग किया, डिटेलिंग किया, जहाँ पे लाइट एंड शेडो है, डार्क है, देन जहाँ पे हाईलाइट है वहाँ पे आपने बहुत ही अच्छे से किया, ठीक है, ऐड किया, देन उसको बहुत ही अच्छे से ब्लेंड किया, जो क्वालिटी है वो आपने अचीव किया। बट एक केस में ऐसा हो जाता है कि बहुत ही स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया हो जाता है, जैसा कि आपका ये आई हो गया, देन बीक हो गया, देन जो हेयर डिटेल्स होता है वो हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखिए ये सब जो छोटा मोटा डिटेल्स होता है उससे ही जो ओवरऑल जो रियलिज्म होता है, जो रियलिस्टिक इफेक्ट होता है, या फिर जो क्वालिटी आप बोल सकते हैं, जो डिटेल, हाई डिटेल दे सकते हैं उस, वो आप पेस्टल से, मतलब स्टिक से कभी नहीं कर सकते। स्टिक से आपको पूरा ओवरऑल ड्राइंग, पूरा का पूरा जितना भी पेंटिंग होता है वो आपको इससे ही करना है, नो डाउट, बट डिटेलिंग में आपको पेंसिल चाहिए, तो उस केस में कलर पेंसिल यूज़ करते हैं, बट वो
सेकेंडरी ऑप्शन है अगर नहीं होता है तो। अगर पेस्टल पेंसिल यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आएगा और एक्चुअल जो फील होगा पेस्टल का वो मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेस्टल पेंसिल, और वन ऑफ द बेस्ट है, मैंने टेस्ट किया है, नो डाउट फ्रेंच मेड है। देख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ पेरिस, ये मैंने सर्च किया था, उसके बाद मैंने आर्टमेट को बोला तो उन लोगों ने प्रोवाइड कर दिया। नॉर्मली ये उतना आसानी से मिलता नहीं है, बट अमेजोन पर भी मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये स्किन टोन वाला है और इसका जो प्राइस है ऑलमोस्ट 850 लिखा हुआ है। अब देखिए 850 आप लोगों को अगर हाई लग रहा है तो मेरे हिसाब से बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो डरवेंट का है उसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 1200 1500 2000 तक चला जाता है। इसमें अगर आपको एक पेंसिल मिल रहा है, अगर ये ले लेंगे तो हो जाएगा। आप पोर्ट्रेट करते हैं ये सालों चला जाएगा, अगर आप रेगुलर भी करते हैं ये पेंसिल 850 में, या फिर मुझे शायद 750 पड़ा था, डिस्काउंट दे देगा आप लोगों को, ठीक है 700 के अंदर आ जाएगा। ये लिखा हुआ है ज़्यादा बट उतना नहीं पड़ेगा आपको, बेस्ट है। और आपको दूसरे भी ब्रांड मिल जाएंगे थोड़ा सा चीप में 500 में, बट मैं बोलूंगा कि 500 वाला मत लीजिए, थोड़ा सा और 300 प्लस कीजिए, अच्छा मिल जाएगा, श्योर है और बेस्ट है। आप बोल सकते हैं कि सर्च कर लीजिए, पेस्टल ही बनाता है ये और ड्राई मीडियम बनाता है, वन ऑफ द बेस्ट आप बोल सकते हैं, सर्च कर लीजिए मिल जाएगा। इंडिया का नहीं है, फ्रेंच मेड है। तो मैं इस वर्कशॉप में मैं ये कॉन्टी पेरिस सॉफ्ट पेस्टल और कैमल का जो है ये सॉफ्ट पेस्टल जो कि बहुत ही चीप है ये यूज करूंगा, ठीक है। दूसरा कोई ब्रांड मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट आप लोग इस पेंसिल के जगह अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये डेफिनेटली आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, मैं हेल्प कर दूंगा नो डाउट, वो तो हमेशा करता हूँ। बट अगर आप लोगों को लगता है कि पेस्टल पेंसिल नहीं खरीदेंगे तो कलर पेंसिल से भी कर सकते हैं, बट एक जो प्रोफेशनल जो फील होगा वो नहीं आएगा, बट ऑब्वियसली अच्छा हो जाएगा नो डाउट, हेल्प कर दूंगा मैं। तो अगर खरीदना है तो यही खरीदिए, वरना मत खरीदिए, क्योंकि बीच का खरीदेंगे कोई फायदा है नहीं 500 का, और उससे ज़्यादा अगर खरीदेंगे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये बीच में है बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा चीप भी नहीं है, तो बेटर है। अब देखिए यहाँ पे जो पेपर्स है, पेपर्स का मैंने पूरा का पूरा कट करके जितना भी ब्रांड्स है लिख दिया है। अभी चलिए डेमो देते हैं एनाटॉमी का, डोंट वरी, जैसा मैंने बोला है दे देंगे। थोड़ा लंबा हो सकता है आज का क्लास, बट कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे, कुछ ना कुछ नहीं अच्छा खासा चीज़ें ही टेक्निक्स भी सीख के जाएंगे। जो पेस्टल जो लोग इस वर्कशॉप को ज्वाइन भी नहीं करेंगे उन लोगों का भी अच्छा ही होगा। मटेरियल्स के ऊपर जो डाउट था, मतलब क्या करना पड़ता है क्या नहीं, वो मैंने क्लियर कर दिया। हमेशा उसका ध्यान रखें, ज़्यादा स्मूथ पेपर बिल्कुल मत यूज़ कीजिए पेस्टल में, उससे अच्छा है अगर चार्ट पेपर है उससे भी हो जाता है, पहले भी किया है हमने। बट अल्ट्रा स्मूथ जो ब्रिस्टल पेपर है, सर्च कीजिए मिल जाएगा, ब्रिस्टल पेपर के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, वो ज़्यादातर जो एक्सपेंसिव कलर पेंसिल होता है उसके लिए बना होता है ये पेपर। तो स्मूथ पेपर में प्रॉब्लम क्या है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। आइवरी शीट पे भी कभी मत कीजिए, आइवरी शीट पे भी मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि आइवरी शीट भी बहुत ही स्मूथ होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है बट स्मूथ ही होता है कंपेयर टू चार्ट पेपर एंड अदर पेपर। तो वहाँ पे भी कलर रह नहीं पाएगा, होल्ड नहीं कर पाएगा, एटलीस्ट आपको थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए, इससे अच्छा चार्ट पेपर ही ले लीजिए, नो डाउट अच्छा ही होगा। चलिए गुंजन जी गुड इवनिंग, मधु जी, माधवी जी, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ एक्चुअली, आप थोड़ा सा वेट कीजिए, 10 PM तक नहीं बोलूंगा, आज रात को ही मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। मैं सब कुछ एक मैनेज करके आप लोगों को पूरा बना के सब कुछ दे दूंगा, लिंक ग्रुप पे ही दे दूंगा। लक्ष्मी जी डरवन तो अच्छा ही है नो डाउट, क्वांटी ऑफ पेरिस जो है उसका सर्च कर लीजिए, वो डरवन से भी अच्छा है, बट ये थोड़ा सा मतलब अच्छा लगा कि इन लोगों ने ये छोटा वाला भी निकाला है। अगर आप ये सेम चीज़ का अगर डरवन का खरीदेंगे 1000 पड़ जाएगा, ये 700 में मिल जाएगा आपको, पैसा वसूल है पूरा। अब देखिए जैसा मैंने बोला कि ये वर्कशॉप लास्ट है, ऑब्वियसली लास्ट है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप है। और बोलना चाहूँगा कि ये जो ऑफर जो 350 का था, मैंने बोला था 25 तक था, तो ये इस साल तक है, दैट मीन्स 31 तक है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 350, आप लोग 350 से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 31 दिसंबर तक, इस साल तक। मनप्रीत जी पेपर क्लियर नहीं हुआ, अच्छा पेपर जो है क्लियर भी ले सकते हैं, मैं बोलूंगा कि ग्रे पेपर भी ले लीजिए, और जो पेपर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा वो उसका प्राइस तो बहुत ही कम है। अगर आप लोग लोकल लेते हैं तो 130 में आप लोगों को मिल जाएगा 10 शीट, पूरा का पूरा वर्कशॉप ही उसमें कर लेंगे, बच भी जाएगा उल्टा। अदरवाइज आप लोकल अगर स्टोर पर विजिट करते हैं तो आप लोगों को उससे कम में मिल जाएगा, तो 120 में मिल जाएगा, 100 में भी मिल जाएगा। नीतू जी गुड इवनिंग, शायद आप लोगों का कुछ मैसेज मतलब जो कमेंट्स से अगर मैंने मिस कर दिया तो उसके लिए सॉरी, बहुत ज़्यादा है। चलिए इससे ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे एक्चुअली वो जो चीज है वो कहाँ गया, एक्चुअली गायब हो गया। तो देखिए यहाँ पे वो पेपर मैंने यूज किया है जो 130 वाला है, ये वाला आर्टिस्ट इसेंशियल टोन्ड ग्रे। इसका आपको डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। मतलब मैंने ये एक्चुअली सोच के नहीं दिया था, मैंने सोचा कि बहुत ही कम है, एक बार टेस्ट करते हैं, बट ये अच्छा निकल गया, हद से ज्यादा अच्छा है। इसका कोई मेंशन नहीं है। एक मतलब चीज मैंने नोटिस किया कि ऐसा जरूरी नहीं कि आपको जो टैग होता है, चाहे कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, आप कोई कोर्सेस कर रहे हैं या फिर कोई मटेरियल्स हो, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव चीज़ें अच्छा होता है, बट अगर आप बीच का कर रहे हैं, मतलब थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव अगर रहते हैं तो डेफिनेटली वो अच्छा ही होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, अगर बीच में कोई भी प्राइस लटका हुआ है, ठीक है, वो कभी भी अब एवरेज ही होता है, उससे अच्छा आप चीप ही ले लीजिए। एक कहावत है, बीच में मत अटकिए, चाहे तो एकदम बुरा कीजिए या फिर एकदम अच्छा, ठीक है। तो ये सब मटेरियल्स हो गया आपका बीच का, इससे अच्छा चीप ही ले लीजिए। पूजा जी हेलो, तेजस्वी जी, 300 GSM जरूरत नहीं है, 300 GSM मैंने टेस्ट किया ऑलरेडी, और पेस्टल के लिए जरूरत नहीं है, पेस्टल के लिए देख सकते हैं ये पेपर सबसे बेस्ट है, यहाँ पे लगा हुआ है। चलिए टेस्ट करते हैं अभी एक एक करके। प्राइस लिख दिया है मैंने साइट पे, और आप लोगों को मैं अभी एनाटॉमी का स्टार्ट होगा, थोड़ा वेट कीजिए, स्टार्ट हो जाएगा। एनाटॉमी का क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पहले तो देखिए बहुत किया है मैंने, अब देखिए एनाटॉमी का करना कोई मतलब गलत तो है नहीं, आप लोगों का प्रैक्टिस होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ। स्केच का जो वर्कशॉप आ रहा है उसमें भी फ्री वर्कशॉप भी आ रहा है, उसमें हम लोग पूरे साल एनेट में ही करेंगे। फ्री एंड स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट ओवरऑल जितना भी आया उसमें भी हमने स्केच से ही किया, ऐसा नहीं कि ट्रेस कर लिया। चलिए तो स्टार्ट करूंगा इसको मैं, पहले बाद में लेता हूँ। देखिए इसका प्राइस यहाँ पे लिखा हुआ है 130, ठीक है, ये सबसे महंगा वाला है, और मुझे थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ, अभी 500 जो है वो गया पानी में। बट इस पेपर पे मैं आप लोगों को एक अच्छा न्यूज़ है कि जितना भी पेपर है, मान लीजिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 45 पेपर या फिर 40 तो होगा ही, तो ये 40 वर्कशॉप आ जाएगा फ्री, क्योंकि इसको मुझे ख़त्म करना है। क्वालिटी वर्कशॉप आ जाएगा, फ्री वर्कशॉप आ जाएगा पेस्टल का। तो आप लोग अगर ज्वाइन भी करते हैं बाद में भी आपको पूरे साल तक फ्री वर्कशॉप्स मिल जाएगा, क्वालिटी वर्कशॉप्स, एनिमल एनिमल पे, देन ह्यूमन फिगर पे, सब पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये मुझे ख़त्म करना है। तो आप लोगों के लिए मैं ख़त्म करूँगा इसको, फ्री वर्कशॉप देके ख़त्म करूँगा। रितु जी गुड इवनिंग। तो सबसे पहले इस पेंसिल को देखिए, कॉन्टी पेरिस, बाहर का कंपनी है ऑब्वियसली, नो डाउट अच्छा ही होगा। तो इसको मैं देखिए यहाँ पे ये पीच कलर मिल रहा है, जरूरत नहीं है, आप चाहे तो, मैं तो रेकमेंड करूंगा यही खरीद लीजिए, 8 मिनट आपको बहुत ही कम पे दे देगा ये, ठीक है, क्योंकि मैंने एक मंगवाया था, दो दे दिया। तो इसका अगर आप प्राइस देखते हैं तो 850 लिखा हुआ है यहाँ पे, 799 है, तो आप लोगों को 700 में मिल जाएगा ये। तो देखिए सबसे पहले मैं ये यहाँ पे मैं ब्राउन कलर को निकाल लेता हूँ। देखिए पेशेंस रखिए, थोड़ा सा टाइम तो लगता है, ऐसा नहीं कि कर दिया और हो गया। देखिए शॉर्ट टर्म चीज़ों में कोई फायदा नहीं होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ। जब अब देखिए स्केच का स्टार्ट होगा, बहुत लोग बोल रहे थे, ऑब्वियसली मैंने भी रियलाइज़ किया, और ऐसा नहीं कि आप लोगों को पता ही है, कोई भी वर्कशॉप का स्टार्ट होता है फ्री होता है या फिर कुछ भी होता है, पेड वर्कशॉप भी होता है, उसमें मैं कंप्लीट स्केच का डेमो दे ही देता हूँ, कंप्लीट होता है वो, आप लोगों ने किया भी है, ऑब्वियसली टाइम लगता है, प्रोपोर्शंस या फिर एक्यूरेसी उतना आया नहीं है, बट ऑब्वियसली कुछ लोगों का 90%, 99% भी आ गया है। बट स्केच एक ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, आप ये जो साल होगा अगला साल, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में और बहुत ज़्यादा हम घुसेंगे स्केच में। इसको निमिषा जी बिल्कुल, ये सबके लिए है एक्चुअली। और स्केच जो है मैं आप लोगों को इस पेंसिल से भी दिखाऊंगा, मतलब पेस्टल, अब देखिए जो ग्रेफाइट पेंसिल से करते हैं नो डाउट उससे भी किया जाता है, बट आप लोग कलर पेंसिल या फिर ग्रेफाइट पेंसिल, मतलब ये पेस्टल पेंसिल से भी स्केच कर सकते हैं फ्री हैंड, बहुत ही मज़ा आता है उसमें। और क्योंकि होता क्या है, स्केच कभी कभार बोरिंग हो जाता है ब्लैक एंड व्हाइट से करने से, मतलब ग्रेफाइट से आप कितना करेंगे, तो
बट कलर पेंसिल से या फिर पेस्टल से अगर आप करते हैं तो थोड़ा सा इंजॉयबल हो जाता है, बट ऑब्वियसली ज़्यादातर ग्रेफाइट और चारकोल से ही होगा, एक्सरसाइज होगा वो। और कलर से भी स्केच कैसे किया जाता है ब्रश से, वो भी मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ से मैं ये निकाल रहा हूँ, ब्रोन ब्रांड से यहाँ निकालते हैं। चलिए, पैकेजिंग देखिए कितना अच्छा है। तो ये पीच कलर लेते हैं सबसे पहले, 1 मिनट। तो यहाँ पे मैं ये ले लेता हूँ, देखिए अभी। सोनाली जी आप ये ले लीजिए, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे पीच कलर है नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो कलर है पीच कलर वहाँ से आया है। देखिए पीच कलर जो है वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा स्टिक में, कैमल पे, तो ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये ग्रे, ब्लैक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आप बोल सकते हैं वाइट, देन ब्राउन, दो टाइप का ब्राउन ही आपको मिल जाएगा। तो ये सब कलर स्किन के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट है, बट ये जो है पहला लेयर होता है ये हमेशा। तो ये आप स्टिक से भी कर सकते हैं, डिटेल वाला हो जाएगा इससे, तो ये लेने से हो जाएगा। आपको लिंक दे दूंगा मैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और देखिए ये पेपर मैं बोलूँगा नहीं कि बहुत ज़्यादा बुरा है, इससे बहुत लोग करते भी हैं, ब्रूस्टरों का है, पेस्टल शीट है, मतलब पेस्टल, सॉफ्ट पेस्टल के लिए बना हुआ है। बट जो हम लोग करेंगे उसमें उतना टेक्सचर भी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि वो आप लोगों को पता है रियलिज्म में है वो, ऊपर से ये बहुत ही अल्ट्रा एडवांस है, तो उस केस में। बट डोंट वरी, ये पेपर मुझे ख़त्म करना है, जैसा कि मैंने बोला कि 40 शीट्स है इसमें, तो 40 वर्कशॉप्स, 40 वर्कशॉप्स बहुत ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, कम नहीं है। तो आप लोगों को फ्री में दे दिया जाएगा, क्योंकि मैं इसको रख के भी क्या करूँगा, इस शीट्स को आप लोगों को ही दे दूँगा वर्कशॉप्स। तो इस वर्कशॉप्स को, वर्कशॉप्स ख़त्म होने के बाद भी बहुत ज़्यादा जो फ्री वर्कशॉप्स है वो आ जाएगा। शिल्पी जी कैसे हैं? शिल्पा जी, कृष्णा जी, हेलो। तो देखिए एक साइड से मैं इसको किया, इस पेंसिल का देखिए क्वालिटी, देखिए कितना रिच है कलर, ट्रस्ट मी। मैंने जो नाम नहीं लूँगा मैं, और 500 और 400 वाला 300 में भी मिल जाता है, अजीब है, पॉसिबल कैसे होता है वही मैं समझता हूँ। पेस्टल पेंसिल बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें होता है, क्योंकि देखिए ये चौक मीडियम है, इसको पेंसिल में कन्वर्ट करना थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है कंपनीज के लिए, तो इसीलिए इसका प्राइस थोड़ा सा हाई होता है, स्टिक का प्राइस उतना नहीं होता है। बट ये 300 400 में जो दे देते हैं, और 8 या 4 नहीं, बहुत ज़्यादा 12 शेड दे दिया, कॉमन सेंस है, कभी अच्छा नहीं होगा, वो दे ही नहीं पाएंगे क्वालिटी। इसमें देखिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस भी नहीं कर रहा हूँ, रिचनेस देखिए कितना है। और देखिए पेपर उतना बुरा नहीं है, अगर आप, अब देखिए पोर्ट्रेट्स हम करेंगे तो उसके लिए उतना भी बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत बुरा है, बट मैं जिस टाइप का करता हूँ या फिर जो हम करते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा उतना परफेक्ट नहीं है, तो उस केस में मेरा ये उतना काम नहीं आएगा। बट इसी पेपर में मैं आप लोगों को जो एनिमल वर्क है, कॉम्पोजिशन, एनिमल कॉम्पोजिशन, ह्यूमन फिगर्स, वो आप लोगों को फ्री में दे दूंगा, जितना शीट है उतना ही आ जाएगा वर्कशॉप के बाद। तो एक इस साल आप लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा आप लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, अगर आप लोग वर्कशॉप भी ज्वाइन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। ओवरऑल फुल ट्रेनिंग आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगा बहुत ज़्यादा वर्कशॉप्स के बाद, तो प्रैक्टिस वर्क पे आप वो इंक्लूड हो जाएगा, आप लोगों का एक्सपर्ट हो जाएंगे, नो डाउट। इसका जो साउंड है बहुत ही अजीब है, तो जो भी हो, हम देखिए व्हाइट कलर लेते हैं यहाँ से, ये शायद व्हाइट ही है। अच्छा, ये एक्चुअली आप लोगों को बोलना चाहूँगा, ये हो गया ब्लेंडर, शायद ये ब्लेंडर ही है, और ये शायद ब्लेंडर लग रहा है मुझे, बट मुझे जो है थोड़ा सा व्हाइट चाहिए, तो चलिए व्हाइट कलर लेते हैं, कैमल का लेते हैं अभी, ठीक है। इसको ब्लेंड करके देखेंगे कैसा होता है, तो कैमल का ले लिया मैंने, देखिए कैमल का भी नो डाउट अच्छा है। अब इसको ब्लेंड करते हैं, टेबल जो है अभी गंदा होगा, पेस्टल है, तो देखिए इसको धीरे से, हाथ आपका हमेशा क्या होना चाहिए, स्किन टोन है, देखिए स्किन टोन मैंने बनाया थोड़ा सा मीडियम स्किन टोन है, डार्क बोल सकते हैं। सरोची जी बिल्कुल बिल्कुल, वो भी मैं दिखा दूंगा आप लोग, इस बार जो तरीका है वो भी दिखा दूंगा। तो ज़्यादातर जो होता है स्प्रेइंग कर देते हैं लोग या फिर वार्निश कर देते हैं, बट थोड़ा सा पैचिनेस आ जाता है, इस बार थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से
क्योंकि लास्ट टाइम देखिए हुआ क्या था, वो बेसिक था, लर्निंग के लिए था, मतलब ऐसा नहीं कि लास्ट टाइम जो हमने वर्कशॉप किया वो टोटली लर्निंग के ऊपर बेस्ड था, सीखा भी बहुत लोगों ने। पहला जो वर्कशॉप था सॉफ्ट स्किल का, तो उसमें मैंने उस पर प्रोडक्शन का उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि सिर्फ लर्निंग के लिए था। तो ऐसा नहीं कि आपने उसको मतलब कोई एग्जीबिशन में देना, या फिर पहला वाला जो वर्कशॉप था उसके लिए नहीं था। ये जो वर्कशॉप है इसको आप सेलिंग भी कर सकते हैं डेफिनेटली, तो उस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया। तो इसके साथ जो प्रोडक्शन का जो क्लास है वो भी इंक्लूड है, आ जाएगा, देख सकते हैं स्मूथ है बट थोड़ा सा टेक्सचर दिख जाता है आपको। और ये यहाँ पे जो हो रहा है मतलब एक्चुअल में देख सकते हैं थोड़ा टेक्सचर ही है ये, हमें इससे भी ज़्यादा स्मूथ चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि देखिए जो ग्लास में जो वाटर है उसका अगर डिटेल हम देंगे तो उसमें अगर ये पैचनेस आएगा या फिर टेक्सचर आएगा तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, प्रॉब्लम भी होगा, बहुत ज़्यादा बारीकी से डिटेल दिया गया है। देन आपका हो गया ये स्टील लाइफ में देख सकते हैं ट्रांसपेरेंसी है, पीछे एक ऑरेंज है, तो इन सब चीज़ों के लिए थोड़ा सा पोर्ट्रेट के लिए ठीक है, बट मैं फिर भी बोलूँगा कि अगर आपको स्मूथ पोर्ट्रेट चाहिए बहुत ही अल्ट्रा स्मूथ, देन जो पेपर मैंने रेकमेंड किया है वो ज़्यादा बेटर है, टेक्सचर वाला पेपर उतना खास नहीं। अभी देखिए मैं यहाँ पे इसको अगर हम फ्लैट सरफेस पे करते हैं, मतलब फ्लैट तरीके से करके देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे दिया, यहाँ पे मैंने मतलब स्लाइडिंग में कैसा कितना परफेक्ट है अभी ये चेक करेंगे स्लाइड करने से। ये हो गया एक, देन यहाँ पे ये हो गया लेमन येलो, डीप येलो, लाइट येलो, लेमन येलो, ये आपका डीप ग्रीन हो गया, लाइट ग्रीन, लेमन येलो। तो यहाँ से आप अगर इसको स्लाइड करते हैं ठीक है, बेसिक मतलब बेसिक चीज़ों के लिए ठीक है, जो वर्कशॉप हम करेंगे उसमें ये उतना काम नहीं आएगा ऑब्वियसली, ऐसा हमें टेक्सचर नहीं चाहिए। देख सकते हैं दूर से ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, बट ये चीज़ हमें नहीं चाहिए, देख सकते हैं टेक्सचर दिख रहा है, बहुत ही बारीकी से काम होगा, जो वर्कशॉप होगा उसमें बहुत ज़्यादा हैवी डिटेल्स हो सकता है और बहुत जगह पे आपको स्मूथनेस भी चाहिए, तो उस केस में ये फ्लॉप है बिल्कुल। बट ये जो पेपर है इसमें मैं आप लोगों को 40 पेपर है, 40 शीट्स है, तो 40 वर्कशॉप्स फ्री में आ जाएगा और लर्निंग के लिए बिल्कुल ठीक होगा, वो पोर्ट्रेट्स, एनिमल्स, देन ह्यूमन फिगर्स, ठीक है, पूरे साल तक। 500 रुपीज़ वाला पेपर है, एवरेज है, उतना खास नहीं है, उतना बुरा भी नहीं है। तो अभी टेस्ट करते हैं ये, इसको हम साइड पे रखते हैं, अभी हम टेस्ट करेंगे ये। ये आपका हो गया 350 वाला, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट पेपर मिक्स मीडिया वाला अनुपमा का है और लूज शीट है 300 GSM। तो आप लोग बोलते हैं कि जीएसएम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑब्वियसली है, तो अभी देख लीजिए डेमो मिल जाएगा आपको जीएसएम कितना इंपॉर्टेंट है पेस्टल के लिए, उतना खा मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है, नॉर्मल होने से भी हो जाता है जीएसएम। तो अगेन यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर यूज़ करूँगा, ये वायलेट ले लिया, इससे उस पेपर से थोड़ा सा स्मूथ आ जाएगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम होगा आपको, मैं आई एम श्योर कि वो होगा, मेरा खुद का है जो एक्सपीरियंस है उससे ये पता चल रहा है, अभी मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया, अभी कर रहा हूँ एक्चुअली, कल रात को मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया था इन पेपर्स में कुछ स्किन टोन बना के, तो मुझे वो इस पेपर में मैंने नहीं किया, वो दूसरे वाले में किया था। तो ये दे दिया और यहाँ से हम येलो कर देते हैं। सोनल जी हेलो, लेट्स सी क्या होता है। 300 वाला मिक्स मीडिया अनुपम का है, मिक्स मीडिया पेपर है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों का एक क्लियर कट नॉलेज मिल जाएगा आप लोगों को हमेशा, अगर आप पेस्टल करते हैं वर्कशॉप ज्वाइन भी नहीं किया था, आप लोगों को एक कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगा, पेपर चूजिंग का एक नॉलेज मिल जाएगा, मटेरियल्स को कैसे चूज करना है, कैसे क्या करना है। जैसा मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि बहुत ज़्यादा सुपर स्मूथ है तो प्रॉब्लम होगा आपको पेस्टल में, चार्ट पेपर इससे अच्छा है, थोड़ा सा टेक्सचर होता है उसमें तो प्रैक्टिस के लिए ठीक है। तो इसमें एक प्रॉब्लम होता है देखिए, क्योंकि देखिए आपको करना ही पड़ेगा, अच्छा है नो डाउट, बट देख सकते हैं कुछ जगह पे कलर जो है अटक जाता है, देखिए चाहे आप जितना भी जोर से करिए, देखिए अभी क्या होगा, ये प्रॉब्लम फेस करना होता है, ये आपको ये एग्जैक्टली वो
आइवरी शीट जैसा, इसलिए मैं आइवरी शीट को रेकमेंड नहीं करता हूँ। देखिए ब्लेंड किया बार एक देखिए लाइन आ गया। बहुत लोगों का मैंने ये चीज़ देखा, पहला वर्कशॉप जो था उसमें हमने देखा था कि बहुत लोगों ने ये जो मैंने चार्ट पेपर का रेकमेंड किया था बट उन लोगों ने हाइब्रिड शीट में कर लिया, तो ये हो गया। ये एक तरफ का हाइब्रिड शीट ही बोल सकते हैं इसको, बहुत ही GSM हाई है। और देख सकते हैं लाइन हो गया, मतलब ब्लेंड हुआ, बट कुछ एरियाज पे जहाँ पे हेवी कलर होता है, थिकनेस होता है ज़्यादा, वहाँ पे लाइन आ जाता है। और ये आपको फ्यूचर में कोई भी वर्क करते हैं, पोर्ट्रेट करते हैं, उसमें भी ये चीज़ आपको मिल जाएगा। तो आपको ऑब्वियसली अगर आप कोई भी फिनिशिंग में वर्क करते हैं, कुछ जगह पे ऐसा हो गया कि आपको थोड़ा सा लाइन दिख रहा है, वो नहीं जा रहा है, तो बुरा लगता है, मेहनत लगता है पेंटिंग्स पे, तो उस केस में ये भी उतना खास नहीं है, 350 है। उससे अच्छा तो मैं बोलूँगा कि ये थोड़ा सा ठीक है, क्योंकि पेस्टल, डेडिकेटेड पेस्टल पेपर है, तो उस केस में आप प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। टेक्सचर है, जिन लोगों को टेक्सचर में चाहिए, मुझे नॉर्मली टेक्सचर चीज़ें पसंद नहीं है। अब यहाँ पे सबसे महंगा मैं बोलूँगा, देखा जाए तो ऐसे पेपर का क्वालिटी अगर देखे, नो डाउट इसमें कलर पेंसिल बहुत ही अच्छा होगा, प्रिज्मा कलर या फिर डरवेंट का कलर पेंसिल, जो हाई क्वालिटी कलर पेंसिल होता है वो बहुत ही अच्छा होगा। अल्ट्रा स्मूथ ब्रिस्टल पेपर, ब्रिस्टल पेपर एक अलग ही पेपर है, उसका जो सोर्स है वही अलग है। कलर पेंसिल के लिए हाइपरिज्म जो ग्रेफाइट पेंसिल होता है उसके लिए यूज़ किया जाता है। इसमें देखते हैं, इसमें आई एम श्योर कि ये होल्ड नहीं कर पाएगा, देख सकते हैं इसमें जो लाइन है अभी से आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, देखिए इसमें जो रफ लाइन है, रफ लाइन देखिए कैसे ये रफ लाइन आ रहा है, मतलब दूसरे पेंटिंग पे, मतलब जो दूसरा जो शीट था जितना भी हमने यूज किया उसमें, एटलीस्ट पेंसिल को ऐसे करने से आप बोल सकते हैं कि ईजिली वो स्टार्टिंग से ही ब्लेंड हो रहा था, बट यहाँ पे देख सकते हैं तो इससे साफ पता चलता है कि ये डेडिकेटेड कलर पेंसिल का मतलब शीट है, कलर पेंसिल के लिए बना है। तो देखिए कलर पेंसिल जैसा ही लाइन बिल्कुल ऐड हो रहा है, कलर पेंसिल में जैसा लाइन ऐड होता है वैसा ही लाइन ऐड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। देखिए ब्लेंडिंग का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। तो चलिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा ये पीच कलर को ऐड करते हैं, देखिए कैसे कलर जो है एकदम पाउडरी टाइप का हो रहा है। ममता वर्मा जी, स्टेडलर का जो लूना है, जो आप बोल रहे हैं कि कलर मतलब वाटर कलर पेंसिल है, स्टेडलर ऑब्वियसली हम लोगों का वर्कशॉप भी आ रहा है स्टेडलर के साथ, तो स्टेडलर का पेंसिल नो डाउट बेस्ट है, बट शॉर्ट पेंसिल का है तो आप यहाँ पे वाटर कलर का पेंसिल यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, उससे अच्छा आप कलर पेंसिल का यूज़ कर ले, वाटर कलर पेंसिल बिल्कुल नहीं, वाटर कलर वर्कशॉप के लिए ठीक है। ये बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस है इस पेपर के साथ, पेपर का कोई कंप्लेन नहीं है, नो डाउट इसमें अगर कलर पेंसिल करता तो वन ऑफ द बेस्ट पेपर बोल सकते हैं ब्रिस्टल पेपर कलर पेंसिल के लिए, बट ये सॉफ्ट पेंसिल में बिल्कुल फ्लॉप है। देखिए बिल्कुल ये वाटर मतलब एक प्रोटेक्शन जैसा लग रहा है, मतलब सॉफ्ट पेंसिल उसके ऊपर से जा रहा है, हो ही नहीं रहा है कुछ। अरे बहुत ही बुरा निकला इसका रिजल्ट, डेमो देना ज़रूरी था। अभी देखिए मैं इसको टेस्ट करके आप लोगों को दे पाता, बट मटेरियल्स का एक नॉलेज मिल गया आप लोगों को, वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसा मैंने बोला था कि फाइनल वर्कशॉप है, ये मास्टरी वर्कशॉप है, आप लोग सीख जाएंगे या फिर प्रैक्टिस करेंगे आगे भी, इसको देख के वीडियो हमेशा रहेगा, तो कंप्लीट वर्कशॉप है ये, तो उस हिसाब से मटेरियल्स का भी नॉलेज लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको पेंटिंग आ गए बट मटेरियल्स का जो है कहाँ पे क्या करना है, चूजिंग करना है, वो आप लोगों को नहीं पता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देगा, दिक्कत देगा फ्यूचर में। तो देखिए इसमें भी उतना खास नहीं है, और ये एक जगह पे टोटली ये जमा हो गया कलर, देख सकते हैं इस साइड पे बिल्कुल ये रफनेस है, पेस्टल के लिए ठीक नहीं है। अब देखते हैं इसका जो सबसे मुझे अच्छा लगा, कल मैंने इसका टेस्ट किया था, बहुत चीज़ें मैंने किया बट रिजल्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब देखिए इसको हम टेस्ट करेंगे। सुरुचि जी बिल्कुल स्मजिंग प्रॉब्लम है और थोड़ा सा पैचिनेस आ जाता है। मीना जी बिल्कुल, और ठीक बोल रहे हैं आप, और स्टेडलर का जो है, स्टेडलर का भी मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, बट आई एम श्योर कि स्टेडलर देखिए अभी अच्छा है, जैसा मैंने बोला कि एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा अगर हाई प्राइस होता है तो वो डेफिनेटली अच्छा होगा, बीच का कभी भी अच्छा नहीं होता है, स्टेडलर हो गया एक्सपेंसिव और नो डाउट वो बहुत ही अच्छा है, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग स्टेडलर का ले सकते हैं, बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज कैमल एक ऑप्शन है, पेस्टल स्टिक, कैमल
कैमल का ले सकते हैं, पेस्टल पेंसिल ये तो बेस्ट है नो डाउट। ये देखिए मैंने बहुत किया है और मेरे आसपास जो है अभी साइड पे बहुत ज़्यादा पेस्टल जो है, 3 साल का पेस्टल जो स्टिक्स है वो जमा हुआ है, क्योंकि होता क्या हम पोर्ट्रेट ज़्यादा करते हैं उस केस में बाकी कलर रह जाता है, तो उस केस में ये स्टॉक होते हुए बहुत ज़्यादा हो गया, कल मैंने आप लोगों को शेयर ही किया था। बट ये पेंसिल मुझे, मैंने स्टार्ट किया उसी से मुझे पता चल गया अच्छा लग गया, ऐसा कभी होता नहीं है नॉर्मली, बहुत ही स्मूथ जाता है और जो पिगमेंट है, पिगमेंट का जो रिचनेस है बहुत ज़्यादा है। चलिए अभी इसको पीच कलर में यहाँ से यहाँ से अगर हम थोड़ा सा, अब देखिए जिन लोगों को ये पेपर्स भी नहीं, इतना कन्फ्यूजन नहीं चाहिए, आप लोग अगर एज ए प्रैक्टिस अगर करना है, प्रैक्टिस नहीं बोलूँगा ये प्रैक्टिस वर्कशॉप तो बिल्कुल नहीं है, चार्ट पेपर को यूज़ कर सकते हैं, मैं मना नहीं करूँगा, बुरा नहीं है एटलीस्ट बाकी चीज़ों से ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम ब्लेंड करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, आप लोग ही देख लीजिए रिजल्ट क्या होगा। देखिए मैं उतना केयरफुली कर भी नहीं रहा हूँ बाकी चीज़ों में, बाकी जो शीट्स है वहाँ पे मैंने बहुत ही केयरफुली किया, बट यहाँ पे मैं नॉर्मल वे में सिर्फ हाथ को अपना घुमा रहा हूँ, एज यू कैन सी स्मोकी इफेक्ट है बिल्कुल। ठीक है बिल्कुल ऐसे, तो अभी देखिए इसका इफेक्ट कैसा है। मधु जी पिज्मा कलर यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कॉस्टली पड़ता है, पिज्मा कलर तो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, उससे अच्छा ये ले लें अगर आपके पास है तो यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को अगर ये कॉस्टली लग रहा है, बहुत लोगों को लग सकता है, या फिर बहुत लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि खरीदना नहीं, मतलब खरीदना नहीं चाहते हैं, ठीक है वो थिंकिंग भी हो सकता है, तो आप लोग डोम्स का जो कलर पेंसिल है, डोम्स कलर पेंसिल 24 शेड या फिर उससे ज़्यादा आप खरीद लीजिए, उससे भी हो सकता है, ठीक है मैं मना नहीं करूँगा। इस केस में देखिए अगर यहाँ पे हम अगेन ओवर लेयर करते हैं, ओवर लेयर में कितना फायदेमंद है चलिए देखते हैं इसका। चलिए नॉट बैड, ओवर लेयर में भी ठीक ही है, नॉट बैड, बुरा नहीं है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा आप लोगों को इससे, मतलब देखिए जितना मैंने ट्राई किया उतना ही ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को एक अफोर्डेबिलिटी मिल जाए, कम प्राइस में मिल जाए चीज़ें, ठीक है कम प्राइस में आप लोग सीख जाए, बट इससे भी मतलब इसका कंपेरिजन में अगर कोई भी मैं पेपर का रिकमेंड करूँ तो एक क्लासमेट का एक शीट है उसका मैं आज ही आप लोगों को दे दूंगा इसके साथ, मतलब खरीदना है तो ये या फिर वो खरीदिए, उसका तो और भी कम है ऑलमोस्ट आपको 50 रुपीज़ या फिर 50 नहीं बोलूँगा ऑलमोस्ट, ये आपको पड़ जाएगा अगर ऑनलाइन से लेते हैं तो 160 या फिर 150, वो आपको पड़ जाएगा 80 रुपीज़ में मिल जाएगा, क्लासमेट का जो ड्राइंग पेपर होता है A3 वाला उसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली स्प्रे करके आप लोगों को फ्रेम भी करना है क्योंकि ये क्वालिटी वर्कशॉप है, आप लोग सेल कर सकते हैं या फिर एग्जीबिशन में या फिर कोई भी अगर आप लोगों को हैंगिंग करना है तो कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों को ध्यान रख के उसका प्रोडक्शन करना है। चलिए ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, अब एनाटॉमी करते हैं एक कंप्लीट, एक इस पर कुछ डेमोस देखते हैं कैसा होता है, देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, इसको चाहे तो और भी टाइम दीजिए, और भी जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि टाइम देंगे तो अच्छा होगा, हाथ पे बिल्कुल मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वरना दिक्कत देगा। तो ये पेपर या फिर आप लोग क्लासमेट का जो पेपर है, क्लासमेट का जो जो मैं दूंगा आप लोग को वो भी ले सकते हैं, मेरे पास फिलहाल है नहीं, तो वर्कशॉप में मैं क्या करूँगा, एक एक मैंने पेंटिंग कर दिया इस पर, इसी को यूज़ करूँगा, अदरवाइज क्लासमेट वाला जो पेपर है उस पर ही करूँगा नो डाउट, इन दोनों पे ही करूँगा, बाकी जो पेस्टल स्पेशली जो पेस्टल के लिए बना हुआ पेपर है उसको मैं यूज़ नहीं करूँगा, वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा, स्मूथ है बेटर है, या फिर क्लासमेट का यूज़ कीजिए। चलिए।
सुरुचि जी, व्हाइट कलर देखिए, साइड से देख सकते हैं, आपको अगर और भी व्हाइट चाहिए तो व्हाइट हम और भी दे सकते हैं। अच्छे से ही हुआ, मुझे तो अच्छा लगा। देखिए अगर आपको व्हाइट लाइट शेड चाहिए तो बिल्कुल, और अगर आपको व्हाइट शीट चाहिए ये वाला, आपको डिफरेंट शीट मिल जाएगा, ब्राउन कलर का भी मिल जाता है। कलर सिलेक्शन आप लोगों को इजीली, आपको कोई भी कलर मिल जाएगा, तीन या फिर चार कलर अवेलेबल है। गीता जी, ब्लेंडिंग के लिए मैं आप लोगों को और एक चीज़ देना चाहूँगा, वो है जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है, एक खरीद लीजिए, ठीक है। वो आज रात आपको आपको आप लोगों को दे दूंगा, कंप्लीट एक लिंक बना के दे दूंगा, ठीक है। तो ब्लेंडिंग स्टम्प एयरबेड नहीं, ब्लेंडिंग स्टम्प से आप लोग कर सकते हैं, जो कि अपकमिंग स्केच में भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी इस एनाटॉमी को। यहाँ पे यही पेपर लगा हुआ है, और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग क्लासमेट का भी इजीली आँख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। क्लासमेट एक उतना फेमस नहीं है, बट ये बच्चों का जो ड्राइंग शीट से और पेपर से वो बनाता है कॉपीज, बट उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। मैंने यूज़ किया सेवरल टाइम्स, पहले वर्कशॉप में भी मैंने यूज़ किया था इसका। अगर आप नेक्स्ट कोई लेते हैं, मतलब इसके अकॉर्डिंग अगर आपको चाहिए कोई भी, तो आप क्लासमेट कर लीजिए, अदरवाइज बाकी जो जितना भी पेपर्स मैंने दिखाया, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। चलिए अभी एनाटॉमी जो है वो तो हमने ऑब्वियसली बहुत पहले किया है, बट ऑब्वियसली देखिए जो पेपर है, पेपर का टोन अलग था, तो उस केस में वो टेक्निक्स भी थोड़ा थोड़ा सा अलग था, बट इस केस में थोड़ा सा ग्रे पेपर है, टोन्ड पेपर है, तो इसमें थोड़ा सा अलग होगा। और ऑब्वियसली जो हम वर्कशॉप करने वाले हैं, ये डेडिकेटेड पोर्ट्रेट भी है इसमें। पहला वर्कशॉप में हमने कभी भी वो कंप्लीट वो पोर्ट्रेट नहीं था, वो था मोनोक्रोम पोर्ट्रेट लॉर्ड बुद्धा का था। इसमें आपको तीनों पोर्ट्रेट ही, मतलब दो, एक तो आपका मोनोक्रोम हो गया जो कि बहुत ही बड़ा साइज में है, कृष्णा का। कृष्णा के लिए आप लोगों को चार्ट पेपर लेना पड़ेगा, वो बहुत बड़ा साइज का है, तो ऑब्वियसली उसमें चार्ट पेपर रोल से आप कर सकते हैं। अदरवाइज जो दो पोर्ट्रेट है टोटली वो रियलिज्म में है, तो उस केस में ये थोड़ा सा अलग होगा, लेवल जो है इसका थोड़ा सा एडवांस है। ये पेपर है वही पेपर है जो हमने रिसेंटली किया, ग्रे पेपर। ग्रे पेपर तो एक ही यूज किया, ये वाला पेपर आर्ट एसेंशियल। मैं आप लोगों को रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप लोग जो एक थोड़ा सा ऑफ वाइट है वो ले लीजिए, ठीक है। ग्रे अगर आप लोग को उतना थोड़ा सा डल लग रहा है ग्रे में, तो आप लोग व्हाइट कलर का ले सकते हैं। ग्रे हम बाद में ग्रे कलर कर सकते हैं बैकग्राउंड पे, कलर है तो वो पेस्टल से भी किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल ऐसे, अदरवाइज जो एग का जो पेंटिंग है आप लोगों ने देखा होगा, 3D एग जो है वो ग्रे पेपर में अच्छा होगा। चाहे तो एक ग्रे खरीद लीजिए, अदरवाइज क्लासमेट का पेपर खरीद लीजिए, वो भी ठीक है। ये अगर आपको नहीं खरीदना है, थोड़ा सा और चीप चाहिए तो, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल वेंकटा जी, गीता जी, आप लोगों को सभी लोगों को मिल जाएगा सब कुछ, वेट कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा वेट करें, अभी मैं इस पेंसिल को रेडी करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो फॉलो कीजिए पेज को, और वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आई से, एक मिनट। चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ लेते हैं, आई होप क्या भी दिखाई दे रहा है। तो आई बनाने का भी देखिए, आई मैंने बहुत बार बहुत टाइम्स मैंने किया है, तो सिंपल एक लाइन देके भी आप कर सकते हैं, बट चलिए लाइन देके ही करते हैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दे दीजिए, इसका मकसद यही है कि देखिए अब देखिए पोर्ट्रेट का जो है, पोर्ट्रेट का मैं इसी पेपर पे एक डेमो देने वाला हूँ इस हफ्ते, या फिर इस हफ्ते तो नहीं होगा, बहुत ओकेशन भी है कुछ हम लोगों को पता है, तो मंडे को आ जाएगा, नेक्स्ट मंडे को आ जाएगा। और कल तो वाटर कलर का आ रहा है वर्कशॉप, फ्री वर्कशॉप्स, और इसमें एक कंप्लीट एक पोर्ट्रेट का वर्कशॉप आपको वर्कशॉप से पहले ही मिल जाएगा फ्री, क्लासिक स्टाइल में। लीना जी हेलो,
नवदीप गुप्ता जी, हेलो, रितु तिवारी जी, 170 का है तो अच्छी बात है, स्कॉलर कंपनी का है। अच्छा, एक बार आप देख लीजिए, अगर ऐसा टेक्सचर टाइप का मतलब थोड़ा बहुत बना हुआ है, टेक्सचर नहीं, देखिए इसमें टेक्सचर नहीं है, बट इसका जो मतलब इस तरीके से इसको बनाया गया है, मतलब होल्ड कर लेगा, थोड़ा सा स्टिकीनेस है इसमें, मतलब एकदम अल्ट्रा स्मूथ नहीं है, देखने से ही आपको पता चलता है। थोड़ा सा जो कलर है, थोड़ा सा ये जिगजैग टाइप का है, आप देख सकते हैं जो नॉइस है, नॉइस है इसमें। यहाँ से हम देखिए, आई पे उतना ध्यान मत दीजिए, मैं एक नॉर्मल आई जो कि एक स्ट्रेट आई है उसको ही मैं बना रहा हूँ, और सिर्फ आपको डेमो देने के लिए, ठीक है। आई होप कि इसमें व्हाइट कलर हो। चलिए, है यहाँ पे नीलम जी, हेलो, ऑडियो कट हो रहा है, आई होप कि अभी ठीक है, वो नेटवर्क की वजह से कभी कभार होता है। चलिए, पेस्टल का एक फायदा ये है कि आप कैमरे से या फिर पेस्टल पेंटिंग्स को अगर आप साइड से देखते हैं, नॉर्मली होता है कि ग्रेफाइट पेंसिल पे अगर आप कोई भी वर्क करते हैं तो वो साइड पे आप जाते हैं तो वो शाइनिंग करता है, मतलब ग्लेज करता है। ऑयल पेंटिंग में भी होता है कभी कभार, वो अगर ड्राई नहीं होता है तो, पर पेस्टल का एक प्लस पॉइंट है कि वो पूरा मैट फिनिश होता है, बिल्कुल चारकोल जैसा। तो ये यहाँ से ऐसा हो गया है। आई का मैंने बहुत टाइम दिया है और बहुत लोगों का जो आई है वो सुधर भी गया। फेस एनाटॉमी में अब जो नेक्स्ट जो वर्कशॉप आने वाला है या फिर जो फ्री डेमोज आने वाला है बहुत साल, पूरे साल तक, उसमें हर एक बोन स्ट्रक्चर से लेकर सब कुछ हम करेंगे। अब देखिए, ऑब्वियसली स्केच का भी आप लोग सोच सकते हैं कि कितना डीप नॉलेज हो सकता है जब मैं स्टार्ट करूँगा। भी अभी तक तो कोई भी डेडिकेटेड क्लासेस नहीं हुआ स्केच के ऊपर। कंचना जी, हेलो, निरंजना जी, हेलो, यहाँ से सीधे यहाँ से आएगा, ठीक है, आके ऐसे। अब देखिए, डिपेंड करता है हर एक ह्यूमन बींग का आई जो होता है वो जेनेटिकली डिफरेंट हो सकता है, रीजन वाइज डिफरेंट हो सकता है, कलर आई वॉल का कलर भी डिफरेंट होता है रीजन वाइज। शेप जो है ऑलमोस्ट देखिए, शेप कभी भी डिफरेंट नहीं होता है। ह्यूमन बींग का हाइट या फिर स्किन कलर डिफरेंट हो सकता है, बट जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन है ऑब्वियसली, उसी को एनाटॉमी बोला जाता है, वो हमेशा सेम ही होता है, साइज और कलर्स में डिफरेंस हो सकता है। यहाँ से इस एरियाज को ज़्यादा बड़ा मत करना, आप कभी भी ट्राई करें कि उतना बड़ा मत करें। यहाँ से सीधे इसको, ये आईलेट हो गया, अपर आईलेट। अब देखिए, अपर आईलेट जो होता है हमेशा ये डिपेंड करता है, एनाटॉमीज़ में ये सब थ्योरीज है, अगर बहुत ज़्यादा खुला हुआ है तो अपर आईलेट जो है बहुत ही शार्प होता है, क्योंकि अपर आईलेट जो है वो खुला हुआ है, आईलेट तभी दिखाई देता है जब क्लोज होता है। तो ये डिपेंड करता है कितना बड़ा है, वो आई के बंद और खुलने के हिसाब से वो डिपेंड करता है, ज़्यादा बंद है तो ज़्यादा दिखाई देगा, ज़्यादा मोटा होगा, ज़्यादा खुला है तो थोड़ा सा कम होगा आईलेट। आईलेट मीन्स जो कवर होता है ऊपर से वो हो गया अपर आईलेट, नीचे से जो थोड़ा सा पार्ट होता है वो होता है लोअर आईलेट। शायद वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है आप लोगों को, क्या शायद, एक मिनट, तो यहां से अच्छा वॉइस का क्या है एक बार बोल दीजिए, क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, वरना जो बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट चीज़ें वो चला जाएगा, सुन नहीं पाएंगे आप लोग। तो ये सिंपली हम यहाँ से ऐसे एक लाइन देके इसको यहाँ पे दे देते हैं, चलिए हो जाएगा, नॉर्मल है, फाइन, इस लाइन का काम खत्म, इसको अभी इरेज करते हैं।
और एक चीज़ है किंडेबल जो इरेजर होता है वो भी आप लोगों को खरीदना पड़ेगा, दे दूंगा मैं, थोड़ा वेट कीजिए, अभी वर्कशॉप डेमो खत्म होने के बाद में आप लोगों को जो सारे जो लिंक्स है वो सेंड करता हूँ। यहाँ से थोड़ा सा थिकनेस आएगा, जो लोअर लेयर होता है उमा जी क्लियर है, चलिए चलिए अच्छी बात है, बोल लीजिए सुंदरा जी। यहाँ से ओके हो गया, देन आईलेट का जो ऊपर का पार्ट है ये थोड़ा सा दिखा देता, आप लोगों ने देखा होगा वाइट पार्ट थोड़ा सा ये होता है, वाइट नहीं बोलूँगा, ये आपका हो गया पीच कलर का स्किन पार्ट होता है यहाँ पे, तो ये आप थोड़ा सा मोटा भी दे सकते हैं, इसको थोड़ा सा मोटा आप कर सकते हैं, यहाँ तक इसको कर सकते हैं। ये यहाँ से देखिए लाइन को कैसे खींचा जाता है वो आप हमेशा ध्यान रखें स्केचिंग में, डोंट वरी स्केच भी अच्छा हो जाएगा आप लोगों का, बट मैं ये बोलूँगा कि स्केच जो है टोटली प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, मैं तो दे दूंगा बट प्रैक्टिस आप लोग ज़रूर करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साइड से आप थोड़ा सा शेडोज़ के लिए आप देखिए बीच में होगा बिल्कुल सेंटर पे, यहाँ पे एक डॉट दे सकते हैं आप, ठीक है आईबॉल हमेशा ऐसे होता है, देखिए बड़ा होता है बट वो अंदर से कवर होता है हमेशा, साइड से पूरा का पूरा अंदर से बोल सकते हैं कि पूरा कवर किया हुआ होता है, अदरवाइज आई बोल ऑब्वियसली आप लोगों को पता है बहुत ही बड़ा साइज होता है आई बोल का, बहुत लोग क्या करते हैं ऐसा छोटा सा एक दे देते हैं तो ऐसा नहीं होता है, वरना निकल के बाहर आ जाएगा, कभी नहीं होगा ऐसा। ओवरऑल जो टिश्यूज है आप देख सकते हैं जो बोन है उसमें फिक्स्ड हुआ होता है पूरे का पूरा, आप देख सकते हैं आईब्रोज तक होता है वो, एक मैकेनिज्म होता है जो कि उसको देख सकते हैं, इसका जो खुलने का एरिया है वो ये वाला है और अदरवाइज अंदर से वो बिल्कुल लॉक है, तो ये टोटल जो आईबॉल है बिल्कुल बड़ा साइज का होता है। अब देखिए यहाँ से हम यहाँ से रेस्ट करेगा नीचे, देखिए क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है आई का, तो उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे आपको देना पड़ेगा, रेस्ट किया हुआ है नीचे का जो एरिया रेस्ट कर रहा है, अंदर आप घुसा मत दीजिए इसको बिल्कुल ऐसे, ठीक है सिंपल सिंपल रखा है, सिंपल है। पीछ में आप जो आयरिस है उसको आप दे सकते हैं, और यहां से हो जाएगा इनफ, आईलैशेस में उतना दूंगा नहीं, बाद में हम दे सकते हैं आईलैशेस, ठीक है। अब ये यहाँ से आ जाएगा आपका, ये एक मिनट, हम जो पेस्टल से जो करेंगे देखिए ये डिटेल वाला बोलूँगा ऑब्वियसली डिटेल होगा बट रफ स्केच होगा, पेस्टल से ही करेंगे, रफ स्केचिंग करेंगे कलर से, ठीक है थोड़ी देर में। तो यहाँ से आप इसको ऐसे दे सकते हैं, आईब्रोज का जो एरिया है आई और आईब्रोज पे बीच वाला जो एरिया वो भी आपको ध्यान रखना है, वो कुछ लोग क्या करते हैं बहुत ज़्यादा गैप देते हैं तो उससे कैरेक्टर चेंज हो जाता है, हर लोगों का सेम गैप नहीं हो सकता है ऑब्वियसली, ये आप ह्यूमन कर रहे हैं। देन ये एरिया थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, परफेक्ट फाइन हो जाएगा। बीजी जी हेलो, अब यहां से हम फाइन, एक चीज आप कर सकते हैं देखिए होता क्या, आप देखिए सब आई ऐसा नहीं होता जैसे मैंने बोला, तो ज्यादातर जो होता है क्या होता है ये एरिया जो होता है आई का ये हमेशा ऐसे जाके ऐसे कर्व हो जाता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है ये एरिया, कि आप सीधे अगर सिंपल भाषा में बोलो तो ये ऐसे आएगा, देन ये ऐसा थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाएगा, देन अगेन यहाँ से भी सेम है बिल्कुल ऐसे, ठीक है। देन नोज बनाने के जो फॉर्मूला है बहुत ही ईजी है, आप यहाँ से एक लाइन दीजिए स्ट्रेट लाइन, आप जब हम स्केच का स्टार्ट करेंगे तब तो बहुत ही डिफरेंट एंगल्स में बहुत सारा मतलब नोज जो है वो ही आपका
20 टाइप्स ऑफ 30 टाइप्स नोजी हो जाएगा डिफरेंट एंगल्स में। एक एक हाथ का जो एनाटॉमीज है आप बोल सकते हैं ऐसे ऐसे, स्पाइडरमैन जैसा बिल्कुल ऐसा, पीटर पार्कर जैसा, तो ऐसा आ जाएगा। देन टोस का आ जाएगा, नीज का आ जाएगा, हर एक जगह का डिफरेंट एंगल्स में आ जाएगा। थोड़ा सा बोरिंग लगता है हमेशा, स्केचिंग तो बोलते हैं बहुत लोग, बट स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, बट एक बार आप घुस जाएंगे उसमें बहुत ही एडिक्टिव है। इसको लाइट करते हैं थोड़ा सा। सुकृति मिश्रा जी, वाटर कलर का मैं, आप लोग वेट कीजिए, आज रात को ही मैं दे दूंगा, सभी ग्रुप पे फिर से एक बार शेयर कर दूंगा, ठीक है, जो ग्रुप है उसका, पहले भी किया था। तो सबसे इजी जो तरीका है, अगर आप एकदम आता ही नहीं आप लोगों को, तो वो ये तरीका है कि आप पहले देखिए यहाँ पे एक बनाएंगे ऐसे यू शेप। ये एग्जैक्टली यू शेप नहीं बोल सकते, यू शेप हो गया ये, आप बोल सकते हैं कि ये हो गया आपका यू शेप, ठीक है, ये इसको यू शेप बोल सकते हैं आप, ठीक है। बट हमें थोड़ा सा मैग्नेट का जो साइन होता है, आप लोगों ने साइंस में ये चीज़ तो ऑब्वियसली पता है आप लोगों को, मैग्नेट का साइन ये होता है, यू ही है बट ऊपर से थोड़ा सा कर्व है, थोड़ा सा क्लोज है, ये थोड़ा सा ऐसे क्लोज है, ये जो एरिया है इसको आप सीधे नहीं रखेंगे, यू पे सीधा होता है, मैग्नेट का जो साइन होता है वो थोड़ा सा ऐसे होता है। तो उस चीज़ का आपको सेम ये चीज़ करना है आपको। अब देखिए ये करने से होता क्या है, आपको एक प्रॉपर शेप तो नहीं मिलेगा बट एक सपोर्ट मिल जाएगा नोज़ का, बट आपको जो प्रॉपर शेप होगा, जो कोई भी रेफरेंस से अगर आप कर रहे हैं, कोई भी इंसान है, ह्यूमन बींग है, तो उसको आपको कॉपी करना पड़ेगा एग्जैक्टली, बट ये आपको एक सपोर्ट दे देगा और कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। अब आप देखिए यहाँ पे हम यू शेप बनाएंगे, बट यू का जो शेप होगा ऊपर से थोड़ा सा ऐसे कर्व होगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। अनीता जी बिल्कुल सही बात बोला आपने, एग्जैक्टली घोड़े का नाल। थैंक यू सो मच। तो यहाँ से आप सीधा इसको ऐसे लेके ऐसे, ये एक्चुअली वन टाइम में करना चाहिए वरना प्रॉब्लम होता है, ठीक है, हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, ये आपने बीच में ये घोड़े का नाल जिसने जैसा कि बोला, तो यू शेप में आप कर सकते हैं, ऊपर से थोड़ा सा ऐसा होगा, कर्व होगा, बेंड होगा, देन यहाँ पे आप एक लाइन दे सकते हैं, देखिए क्योंकि दोनों साइड पे एक ब्रैकेट शेप होगा, ब्रैकेट शेप इसको बोलते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन क्यों देंगे, देखिए इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, इस एरिया से थोड़ा सा छोड़ देंगे, देन इसके ऊपर से देखिए बिल्कुल यहाँ से, वरना ये इसके नीचे नहीं आना चाहिए, देखिए बहुत लोगों ने किया भी है फॉर्मूला, बट जो ब्रैकेट है इसको नीचे दे दिया, इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, दैट मीन्स आप यहाँ से एक लाइन देके इसके ऊपर से आप ब्रैकेट शेप आप ऐसे कर सकते हैं, थोड़ा सा दूर लीजिए और बिल्कुल ऐसे देखिए दोनों साइड से छोड़ दीजिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा मोटा ना हो जाए इसका भी ध्यान रखिए, अब डिपेंड करता है, ये आपको एक सपोर्ट दे देगा, ऐसा नहीं कि आप हर लोगों का जो नोज है ऐसा ही होगा, ये एक सपोर्ट है, ठीक है, बिल्कुल स्मॉल ब्रैकेट, बहुत ज़्यादा स्मॉल मत करना, आप लोग समझ ही जाएंगे, ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है। अब क्या करेंगे, इसका जो लोअर एरिया है, देखिए यहाँ से नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है, ठीक है, इसको छोड़ के थोड़ा सा यहाँ से आप दे सकते हैं, थोड़ा छोड़ना ही पड़ेगा आपको, यहाँ से ले लीजिए, स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाके ऐसे घूम जाएगा, बिल्कुल घूम जाके ऐसे देखिए ऐसे लग गया, अगेन यहाँ से गया, यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ पे तो एक लाइन होता है नोज का, तो देखिए ये आ गया, कितना इजी था, बट ऑब्वियसली हर लोगों का नोज ऐसा नहीं होता है, और जैसा मैंने रेफरेंस दिया था वहाँ पे भी ऐसा नहीं है, तो अब क्या करेंगे, देखिए एग्जैक्टली अगर रेफरेंस जैसा बनाना है, रेफरेंस में किसका है मुझे नहीं पता, बट किसी का होगा इसीलिए है, तो रेफरेंस के हिसाब से अगर हम जाते हैं, तो ये इस एरिया को आप देख सकते हैं, इसके सपोर्ट में आप कर सकते हैं, देखिए इसको इरेज करने की जरूरत नहीं है, मैंने किया, इसके ऊपर से ही आप कर सकते हैं, सपोर्ट दे देगा आपको, प्रॉपर एक सपोर्ट मिल जाएगा आपको, अब देखिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा एंगुलर शेप में है, देख सकते हैं स्ट्रक्चर शेप में ऐसे आया, सॉफ्ट नहीं है, देखिए ऐसे 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 स्ट्रक्चर, देन नीचे का जो एरिया वो भी स्ट्रक्चर, ट्रायंगल शेप में नहीं बोलूंगा एग्जैक्टली, होता है बहुत लोग, कुछ लोगों का पैरोट जैसा भी होता है, बट होता है, क्या करें, अभी जेनेटिक है, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, और
ये लाइन आपको देखिए एक सपोर्ट देगा, कितना गैप है यहाँ पे भी उतना ही गैप होगा, बट वो डिपेंड करता है हमेशा, एंगल चेंज होने से पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाएगा, टोटली पूरा इमेज चेंज हो जाएगा, वो तो हमें बाद में करना पड़ेगा, कंप्लीट थ्योरीज करना पड़ेगा, देन आप कोई भी एंगल पे नोज को कर सकते हैं। देखिए ऊपर और नीचे हो गया, तो उस केस में आप यहाँ पे भी एक लाइन दे सकते हैं, थोड़ा अजीब लगता है बट अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप लर्निंग कर रहे हैं स्केचिंग, तो ये सब चीज़ें आपको फोकस करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ से ऐसे गया और बिल्कुल ऐसे हो गया, फाइन। इस एरिया को थोड़ा सा हम स्ट्रेट करेंगे, हो गया। टेन यहाँ पे एक हाईलाइट है छोटा सा, वो हमने दे दिया, नहीं चाहिए वो कलर से भी दे सकते हैं, इस लाइन को भी मिटाते हैं। अब देखिए साइड वाला पोर्शन कैसा है, साइड वाला पोर्शन जो ये जो पार्ट है ये उतना ऐसे फैला हुआ नहीं है, ब्रैकेट हमने इसीलिए दिया सपोर्ट के लिए दिया, ये यहाँ से ऐसे आएगा बिल्कुल, देखिए यहाँ से ऐसे स्ट्रेट हो गया, आ गया। तो लाइन देखिए लाइन में कैसे खींचता हूँ स्केच का, स्ट्रेट दिया मैंने, ट्राई करें कि हमेशा स्केच जो है ऐसे खींचिए, लाइन जो है ऐसे खींचना चाहिए आपको, ऐसे ऐसे, देन देखिए कैसा शेप है, ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा इसको, फ्री हैंड स्केच में अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत ही हेल्प होगा, अगर आप ऐसे ऐसे मतलब बहुत ही डीपली आप डार्क करके ऐसे ऐसे स्मजिंग करके कर रहे हैं प्रॉब्लम होगा, डर्टी होगा, वन स्ट्रोक में ट्राई कीजिए करें। अब देखिए यहाँ से मैं तो मिटा रहा हूँ, चलिए मैं फिर से बनाता हूँ, देखिए बिना मिटाए आप लोगों को करना है एक्चुअली, अगर बिगनर से तो कंप्लीट जब स्केच का डेमो आएगा डेफिनेटली उसमें बहुत सारे चीज़ें हम सीखेंगे, तो ये तो एक छोटा मोटा शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं कि डेमो है, टोन पेपर में करना इसलिए मैं दे रहा हूँ पहली बार अगर आप लोग कर रहे हैं तो, सीधे यहाँ से लीजिए सीधे यहाँ पे, ऐसा नहीं कि एक बार स्टार्ट कर दिया, देखिए प्रोफेशनल है तो ठीक है बट सीख रहे हैं तो होता क्या, आपने बिना देखे यहाँ से कर दिया बट होता क्या है बाद में देखेंगे तो ऊपर और नीचे हो जाता है, तो उसको फॉलो कीजिए, यहाँ से लीजिए सीधे यहाँ से बिल्कुल ऐसे, देखिए ये कर्व है बट इसको मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल जो, चलिए आप लोगों को दिखाई देता हूँ यहाँ पे जो है एनाटॉमी, जो नोज़ है देखिए स्ट्रेट गया है, देन अगेन यहाँ से स्ट्रेट गया, स्ट्रक्चर शेप में है थोड़ा सा, हर एक लोगों का अलग होता है। स्केच वर्कशॉप में हम बहुत टाइप्स का फेस, देन उसमें एक्यूरेसी, एक्यूरेसी देखिए एक ऐसा चीज़ है वो प्रैक्टिस से आता है, उसमें हम एक्यूरेसी में बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, प्रोपोर्शंस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोपोर्शंस में हम बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, तो हर एक बॉडी मूवमेंट एंगल्स हम उसमें लर्न करेंगे। एक्यूरेसी एक ऐसा चीज़ है वो हो गया, मान लीजिए आप कोई भी चीज़ें कॉपी करते हैं ट्रेस करने से एक्यूरेसी आ जाता है, अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, क्योंकि वो एग्जैक्टली उस चीज़ को आप कार्बन कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया एक्यूरेसी। तो जब आपका प्रोपोर्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है, प्रोपोर्शन मीन्स जो बॉडी प्रोपोर्शन मतलब क्या बोले अभी आपको, बॉडी कैसे मूव कर रहा है तो उस हिसाब से बॉडी का जो प्रोपोर्शन है वैसा क्रिएट हो जाता है, मानिए मानिए कोई भी अगर ह्यूमन बींग रन कर रहा है, वॉकिंग कर रहा है तो उसका अलग होगा, रन कर रहा है या फिर सिटिंग पोजिशन में है तो उसका प्रोपोर्शन अलग होगा, वो सब चीज़ें, फेस का प्रोपोर्शन है वो तो एक कंप्लीट थ्योरी से आ जाएगा, मतलब फेस का अगर आप करने जाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस है उसमें, अगर उसको शॉर्ट टर्म में भी मैं बोल दूंगा तो 2 महीने का तो हो जाएगा, एकेडमी में आप लोग सीख जाएंगे ये सब चीज़ें। तो फेस का रिएक्शन के ऊपर प्रोपोर्शन डिपेंड करता है, तो प्रोपोर्शन अगर आपका ठीक होगा सही जगह पे सही मेजरमेंट बोल सकते हैं जो कि मैं हमेशा देता हूँ, मेजरमेंट इसलिए दिया जाता है, लर्निंग मेथड है, बाद में आपको यूज़ नहीं करना है मेजरमेंट्स, प्रोपोर्शंस का एक आइडिया मिलता है आपको। अलका जी हेलो, वंदना जी थैंक यू, देखिए यहाँ से मैंने स्ट्रेट दिया ऐसे, ठीक है अगेन यहाँ से ऐसे बिल्कुल ऐसे हो गया, अब ये साइड जो है थोड़ा सा अगर आप रेफरेंस में देखेंगे थोड़ा सा छोटा है, इसका रीज़न है, इसका रीज़न एक हो सकता है क्योंकि इस साइड में हो सकता है कैमरा एंगल जो है थोड़ा सा कम है, तो इस केस में मैं देखिए ऐसे ये थोड़ा सा छोटा करूँगा, मान लीजिए यहाँ से कैमरा थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, कैमरा का एंगल साइड से है, तो उस केस में मैं देखिए ऐसे ऐसे देन ऐसे इजिली, ऑब्वियसली जो होल होगा वो भी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, उसका ये थोड़ा सा थिकनेस आ जाएगा, देखिए जो टिश्यू है स्किन टिश्यू देखिए थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर देंगे बिल्कुल ऐसे, ओवरऑल जो एरिया है वो कलर से ही हमें देना है, ठीक है देखिए बिल्कुल ऐसे,
इस साइड को भी हम थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। आप लोग देखिए, मैं फाइनल इसको कर सकता था बट एडजस्टमेंट करके मैं समझा रहा हूँ, अगेन इरेज कर रहा हूँ और शेप चेंज कर रहा हूँ इसका। देखिए इसको स्ट्रेट ऐसे दिया, एग्जैक्टली जैसा है। स्केच हमेशा ऐसा कीजिए, मतलब लाइन को हमेशा ऐसे खींचिए, ठीक है। मान लीजिए कोई भी रहता है कर्व है तो ऐसे ऐसे कर दिया आपने, देन स्ट्रेट है तो अगेन स्ट्रेट करिए। ऐसे करना चाहिए फ्री हैंड, और बिल्कुल रफ स्केच होना चाहिए स्टार्टिंग पे। मतलब ऐसे नहीं कि आपने बहुत ही ध्यान से एक एक जगह को आप देख रहे हैं, देन इरेज कर रहे हैं, अगेन कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। और फाइनल मत कीजिए, मतलब ऐसा नहीं कि आपने स्टार्टिंग से ही फाइनल कर दिया। स्केच कर रहे हो स्टार्टिंग से आप इरेज कर रहे हैं, और पहले एक बना लीजिए, कंप्लीट एक बना लीजिए, देखिए उसको क्या होता है, वो स्केच कैसा बनता है, रफली कीजिए। ये एक्सरसाइज अगर आप रोज़ करेंगे, या फिर मैं बोलूँगा कि देखिए रोज़ पॉसिबल नहीं होता है, बोलना बहुत आसान होता है मुझे पता है, अब मेरे जैसे के लिए इजी होता है, बट नॉर्मल अगर आप हैं, ह्यूमन बींग हैं, अगर वर्किंग लेडी है या फिर मैन है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो टाइम निकालना पड़ता है। अगर आप वीकली 3 डेज भी करते हैं उतना तो आसान है, हो ही जाएगा। 1 आवर 2 आवर्स कर लीजिए, ठीक है, स्केच कर लीजिए, ठीक है। कलर से पेस्टल से ही कर लीजिए, पेस्टल एक ऐसा चीज़ है, ईजी चीज़ है, कभी भी आप कर सकते हैं। ऑयल पेंटिंग ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको करना है, बट लर्निंग करना है तो अच्छी बात है, डेफिनेटली ऑयल पेंटिंग एक ऐसा चीज़ है, लास्ट स्टेज बोल सकते हैं उसको। बट इन सब चीज़ों को आपको करने के लिए उतना मेहनत नहीं चाहिए। चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, स्केच पैड खरीद दीजिए, उसमें ही कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी आप कर सकते हैं, देखिए यहाँ से भी होल से भी मैं स्टार्ट करूँगा तो ये देखिए थोड़ा सा ऐसे आ जाएगा, इससे थोड़ा सा बड़ा भी देख सकते हैं, और डिपेंड करता है जैसा कि रेफरेंस में है। तो घुमा के मैंने देखिए यहाँ से एग्जैक्टली इस एरिया को अगेन स्मच करके सीधे दिया, सीधा सीधा सीधा, अगेन यहाँ से 1 2 3 4, देखिए यहाँ पे सीधा, यहाँ पे सीधा, यहाँ पे सीधा स्ट्रोक, यहाँ पे सीधा स्ट्रोक, एकदम रफ स्केच। यहाँ पे थोड़ा सा बोल सकते हैं कि डार्कनेस है, तो इस केस में यहाँ पे आएगा। अब देखिए ये वाला जो एरिया है यहाँ से कैसे जाएगा, आप बहुत लोग क्या करते हैं, प्रॉपर ट्रेस में होता है कि आप लोगों को एक एक लाइन दिखाई देता है, क्योंकि वो एक कार्बन कॉपी होता है। बट रफ स्केच अगर आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए बिल्कुल रफली, क्योंकि आपको प्रॉपर आइडिया मिलेगा शेप का, प्रोपोर्शंस का। तो देखिए ऐसे थोड़ा टच करना है, ज़्यादा नहीं, हो गया। अनीता जी बिल्कुल बिल्कुल, ऑयल पेंटिंग सभी लोगों का फेवरेट है, बट एटलीस्ट अगर आप ऑयल पेंटिंग करते हैं तो अगर आप फ्री हैंड कर रहे हैं, जो कि जितना भी मेरा वर्कशॉप है वहाँ पे फ्री हैंड ही हुआ, तो एटलीस्ट आप बोल सकते हैं कि नहीं, जैसा भी किया आपने एटलीस्ट खुद से किया, तो आपको वो अफसोस नहीं होगा कि आपने ऐसा ट्रेस करके या फिर ऐसा कुछ करके कर लिया है। ऑब्वियसली बहुत लोग बोलेंगे कि ऑयल पेंटिंग लास्ट स्टेज है, अभी नहीं करना चाहिए, बट अगर आपको लगता है कि आपने पूरा का पूरा अपने हिसाब से किया है, फ्री हैंड सब कुछ, सबको आप अपने पूरा मेथड्स आपको पता है, उसको फॉलो करके किया, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा चीज़ है, अपने प्रैक्टिस किया है, अच्छी बात है। चीज़ों को अगर अट्रैक्टिव बनाना है, मतलब बनाने के लिए आप कर रहे हैं, मतलब वो हो जाता है, बट उसमें लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉब्लम होगा आपको बेसिक्स नहीं होता। देखिए ऐसे यहाँ पे मैं आई, या फिर मान लीजिए ये आई यहाँ पे आ जाएगा, ऑब्वियसली हो जाता, बट ऑब्वियसली हमें इसको रफ, और देखिए यहाँ पे कुछ रिंकल्स वगैरह ऐसा होता है, ऐसा आई का एरिया ये होता है, चलिए ठीक है। यहाँ पे आई होता है ये डेप्थ, जो हम पूरा का पूरा बोन स्ट्रक्चर से जब हम स्टडी करेंगे, स्केल से, स्कल से, स्केलेटन से, तब आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली गैप ही होता है, बोन होता है, देन चीक बोन का जो फोल्ड होता है, स्कल्पचर मैंने सीखा था एक बार चंद्रवल सर से, बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, नो डाउट स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं। मैंने इस मुझे एक्चुअली स्कल्पचर में उतना इंटरेस्ट नहीं है, बट ऐसे ही ज्वाइन कर लिया था, बट बहुत ही अच्छा लगा। तो वो बहुत ही अच्छे से करते हैं, इन सब चीज़ों को बहुत ही ध्यान रखते हैं, तो स्कल्पचर में भी इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो यहाँ से अब देखिए नोज़ के बिल्कुल नीचे एक आपको डेप्थ मिल जाएगा। अब जो चाइल्ड होता है उन लोगों का थोड़ा सा कम होता है, ऑब्वियसली उतना स्ट्रक्चर उन लोगों का आता नहीं है, डीप नहीं होता है, एज के हिसाब से वो धीरे धीरे ग्रो होता है, ठीक है।
तो आपको ये बीच में आप दो लाइन दे देंगे तो हो जाएगा, आप यहाँ पे तो लीप आ जाएगा, नो डाउट लीप आप ऐसे दे सकते हैं। लीप अगर आपको देना है तो देखिए यहाँ पे एक लाइन देंगे आप दे के, देखिए लीप बनाने का सबसे इजी तरीका, एक माउंटेन जैसा आपको शेप करना है, माउंट एवरेस्ट नहीं हट कोई भी माउंटेन, यहाँ से जो सूरज उगता है बचपन में हम करते थे, तो ये लिप का एक प्रॉपर शेप आ गया। देखिए अब नीचे से आप एक कर्व टाइप का वैसे बना दीजिए, बीच में से एक दे दीजिए। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्चुअल, ये तो लाइन है ऑब्वियसली ऐसा नहीं होगा, बट यहाँ से आ जाएगा आपका एक्चुअल कर्वनेस। ये मैं मिटा दूंगा एक्चुअली, इसको मैं नहीं करने वाला हूँ, लिप में अलग करूंगा साइड पे। तो देखिए तो ये ऐसा होता है एक्चुअली, बहुत ही तो ये ऐसा रफ है बिल्कुल। तो चलिए अभी लिप को बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, जरूरत नहीं है, ये लिप का स्टडी भी कर लेते हैं, थोड़ा सा डीप स्टडी आ जाएगा। जब हम स्केच का पूरा करेंगे तब आप लोगों को बहुत ही अच्छे से जो ओवरऑल जो मेथड है वो मिल जाएगा। चलिए ठीक है, अब हमें ये लिप देखिए, लिप बनाना भी बहुत ही, मैं तो बोलता हूँ कि आसान है, बट एक्चुअल में है भी, अगर आप थोड़ा सा फॉलो करके चीज़ों को आसानी से देखेंगे तो बहुत ही आसान लगेगा आप लोग। कॉर्नर्स पे हमेशा आपको डेप देना है, ठीक है, ये ऐसे एक लाइन हो गया, बीच में एक क्रॉस दे दीजिए, क्रिसमस था खत्म हो गया तो क्रॉस है यहाँ पे। अब यहाँ से देख सकते हैं एक चीज, माउंटेन शेप आपको इस एरिया से बनाना है। देखिए ये बीच का जो एरिया है ये हो गया आपका पॉइंटेड एरिया, बिल्कुल सेंटर एरिया लिप का, ठीक है, इससे ही आपका जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है लिप का ये आएगा, बीच में एक थोड़ा सा आपको डेप्थ मिल जाएगा, तो उस केस में ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप स्टार्ट कीजिए माउंटेन शेप कीजिए, बिल्कुल करने के बाद देखिए बिल्कुल ऐसे, अब देखिए जो माउंटेन शेप है मैं तो बोल रहा हूँ ऑब्वियसली, यहाँ पे भी आपको देखिए माउंटेन शेप का ही मिल जाएगा। देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप सूरज दे देंगे, एक सन दे देंगे, तो ऐसा लगेगा कि दोनों पहाड़ के बीच में से सन ऐसे राइज हो रहा है, तो थोड़ा फनी लगता है, बट एक्चुअल में ऐसा ही होता है। शेप आप चीज़ों को जो है, चीज़ों का जो शेप है उसको अगर आप थोड़ा सा बारीकी से देखेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप का सिनेरियो नज़र आएगा। तो मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ, थोड़ा सा फनी हो सकता है। तो देखिए ऐसे, तो ऑब्वियसली बहुत लोगों का, कुछ लोगों का जेनेटिक वाइज ये हो सकता है कि कर्व हो सकता है, कुछ लोगों का बहुत ही चाइनीज है तो बहुत ही शार्प होगा, तो उस केस में यहाँ पे हमने ये बिल्कुल ऐसे हो गया। अब यहाँ से इस चीज़ को भी देखिए, आपको ऊपर करना है बट कैसे अभी नहीं है, आपको अभी प्रॉपर एक सपोर्ट मिल जाएगा तो आप बाद में कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ये मोटा भी हो सकता है, ये इसको आप मोटा भी कर सकते हैं, ऊपर से थिक भी कर सकते हैं, बट रिमेंबर वन थिंग कि आपको अपर लिप कभी भी बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है लोअर लिप से, ठीक है, थोड़ा कर सकते हैं बट लोअर लिप हमेशा थिकनेस ज़्यादा होता है, लोअर लिप पे, अपर लिप पे कम होता है, कॉमन है ये, पता है ऑलरेडी आप लोगों को। अब नीचे से हम देखिए इस एरिया से, बिल्कुल इस एरिया से हम यहाँ से देखिए, यहाँ से एक लाइन देंगे बीच का, नीचे का ज़रूरत नहीं है, आप स्टेप बाय स्टेप जाइए, नीचे का करने से होता क्या है, कर सकते हैं, बट बीच का ये मिडिल लाइन आ जाएगा, ओपन वाला लाइन जिससे ओपन होता है लिप, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। देखिए यहाँ से एक कर्व होके जाएगा, बिल्कुल ऐसे कर्व होके बिल्कुल यहाँ पे आएगा, बीच में आएगा और बिल्कुल ऐसे अगेन स्केच, अगर आप रफ स्केच में देखते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे बेंड हो जाएगा, ठीक है, अगेन यहाँ से ओके। तो अगेन नाउ स्टार्ट आपको करना है यहाँ से नीचे से, बिल्कुल इसका जो सेंटर एरिया है बिल्कुल नीचे से लोअर लिप यहाँ से स्टार्ट होगा, फ्लैट सरफेस में आप कर सकते हैं, देखिए फ्लैट आप ऐसे एक लाइन दे दीजिए, बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन, रफ लाइन है, देन
साइड से आप जब भी आप बीच में आ जाए, देखिए एक लाइन दे दिया बीच में, एक साइड से यहाँ से आप थोड़ा सा कर्वनेस देके इसको घुमा दीजिए और सीधे आप ऊपर चले जाइए, धीरे धीरे स्लोली। और यहाँ से थोड़ा अजीब लगेगा बट वंस हम इसको रिमूव करेंगे, अब देखिए इसको आपको एडजस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको ऐसे ही रखेंगे, ये फॉर्मूला जो है ये सपोर्ट के लिए था ऑब्वियसली, तो उस केस में साइड एरिया से इसको आपको धीरे धीरे ठीक करना पड़ेगा। देखिए इसको मिटा दीजिए, अभी देखिए प्रॉपर सपोर्ट मिल गया आपको, लिप का एक शेप मिल गया, बट इसको आपको अभी ठीक करना पड़ेगा धीरे धीरे, ज़्यादा मोटा हो गया है। ठीक है हो गया, यहाँ से आप प्रॉपर ऐसे डीप जो है डीप एरिया देखिए यहाँ पे आ जाएगा, ये एरिया बहुत ही डार्क में हम कन्वर्ट कर देंगे इस एरिया को। ठीक है देखिए ये जो लाइन होता है, लाइन जो है दोनों लिप के बीच में जो लाइन है, इस लाइन को थोड़ा सा हम थिक कर देंगे, और ये बिल्कुल ऐसे चाके देखिए यहाँ से आएगा ना, यहाँ से ये, वो डिपेंड करता है, देखिए वो हमेशा डिपेंड करता है ह्यूमन बींग के ऊपर, मतलब जो आप कैरेक्टर करेंगे उसके ऊपर। अपर लिप को जैसे मैंने बोला कि आप अभी देखिए अपर लिप को भी आप थोड़ा सा उसका जो हाइट है थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, इसको ऐसे देके आप हो गया मैंने गया, इस एरिया को जो कर्व है जो डेप्थ है इसका, इसको भी आप थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, नो डाउट तो थोड़ा सा बेहतर दिखेगा। और अगेन मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लिप करते हैं तो वो भी थोड़ा सा अलग होगा, ये हो गया आपका एक डेमो स्टार्टअप कैसे करना है आपको। ठीक है चलिए अब यहाँ से चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कलर, और देख सकते हैं बिल्कुल बहुत ज़्यादा बेसिक वे में हमने ये कर लिया। यहाँ से आप नोज़ वाला जो लाइन है, देखिए ये नोज़ का एक लाइन हो गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये लाइन आता ही है, बट ऑब्वियसली फेड होता है, उतना स्ट्रक्चर में नहीं दिखता, डिपेंड करता है अगर बहुत ज़्यादा हार्ड शेडो है तब जाके नोज़ का जो एरिया है वो बहुत ही विजिबल होता है, सॉफ्ट शेडो है तो ये जो लाइन होगा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। आई होप कि आज हो जाए, अदरवाइज कल हमें करना पड़ेगा, कल वाटर कलर का भी वर्कशॉप आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, क्या आया दो आ जाएगा अगर नहीं होता है तो। चलिए अभी देखिए पीच कलर से हम स्टार्ट करते हैं, ये आई, और देखिए बिल्कुल यहाँ से बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस पेपर से मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, और एक्चुअल में देखिए करके बहुत मज़ा आ रहा है, पीच कलर से स्टार्ट करना है आपको हमेशा, ठीक है याद रखिए। एक मिनट, तो जितना भी ये पूरा का पूरा जो साल है 2022 उसमें हम ये पेंसिल से भी रफ स्केच वगैरह करेंगे, स्केचिंग का बहुत ज़्यादा आने वाला है, बहुत कुछ पीच कलर दीजिए, और हाइलाइट्स जो है हाइलाइट्स, अब देखिए कलर का जो है कलर का तो आ ही जाएगा, आप लोगों को वेट करना पड़ेगा उसके लिए थोड़ा सा, कलर का पूरा का पूरा पोर्ट्रेट ही आ रहा है नेक्स्ट वीक फ्री वर्कशॉप में, इसको मैं रफली करूंगा, थोड़ा सा किया और थोड़ा सा लाइट पीच चाहिए तो थोड़ा सा लाइट पीच हम लेते हैं, थोड़ा सा लाइट पीच है ना, डार्क नहीं चाहिए, और इस एरिया से थोड़ा सा होगा डार्क वाला थोड़ा सा कर लेते हैं, और
स्टार्टअप आपको पीच कलर से ही करना है, पीच मतलब जो फ्लैश टेंट है, ठीक है, फ्लैश टेंट लाइट वर्जन जो स्किन कलर बोल सकते हैं उसको, फ्लैश टेंट भी बोल सकते हैं, फ्लैश टेंट बोला जाता है सिंपल भाषा में, पीच भी बोल सकते हैं। स्टार्ट इससे कीजिए और देखिए जो डेप्थ है उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। डेप्थ एरिया में हमेशा ब्रंट सियाना या फिर डिपेंड करता है कौन सा कलर हम रेफरेंस में देख रहे हैं वो कलर आएगा। डीप एरिया को छोड़िए, लाइट को पहले कीजिए। देखिए ऑयल पेंटिंग नहीं है ये, तो ऑयल पेंटिंग में बिल्कुल ऑपोजिट होता है, ठीक है। देखिए जहाँ पे वहाँ पे कर लीजिए, छोड़ दीजिए सिंपल। यहाँ पे लाइट है तो मैं यहाँ पे लाइट करूँगा, यहाँ पे हाईलाइट है तो यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, अदरवाइज इस एरिया पे भी मैं नहीं करूँगा क्योंकि डार्क है ऑब्वियसली, तो इस केस में मैं यहाँ पे भी डार्क करूँगा। बट ब्रंसियाना मैं कैमल का स्टिक ले रहा हूँ अभी, देखिए कैमल स्टिक यहाँ से ब्रंट सियाना का है, ठीक है। थोड़ा ध्यान से और एक चीज़ देखिए बहुत ही केयरफुली, यहाँ पे कर दिया, हो गया सिंपल। यहाँ पे करना पड़ेगा थोड़ा सा, देखिए वर्कशॉप में थोड़ा सा टाइम जा सकता है, मे बी 1.5 मंथ जा सकता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। उतना शॉर्ट टाइम में नहीं कर सकते वरना क्वालिटी उतना आएगा नहीं। अब आपको ये जो एरिया है, देखिए इस एरिया से आपको, देखिए यहाँ पे हमने क्यों छोड़ा था, क्योंकि यहाँ पे डेप्थ था, डीप एरिया था लोअर आईलेट, तो उस केस में यहाँ पे हमने छोड़ दिया। अब यहाँ से धीरे से थोड़ा सा नीचे आ जाइए, हो जाएगा, ओके। देन आपको लेना पड़ेगा ब्रंट अंबर, मैं पेंसिल वाला यूज़ करता हूँ। चलिए देखिए कॉर्नर पे ऑब्वियसली डीप है, तो उस केस में मैं ये ब्रंट अंबर यूज़ करूँगा इस कॉर्नर पे। स्ट्रक्चर शेप में बिल्कुल ऐसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे हमें ज़्यादा नहीं करना है, इस कॉर्नर पे थोड़ा सा करना पड़ेगा। देखिए डेप्थ एरिया पे आपको हमेशा पता ही है आप लोगों को ऑलरेडी कि डीप कलर जो है वो डेप्थ एरिया पे ज़्यादा आता है, जहाँ पे डेप्थ होता है। ये भी हम स्केच वाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। जो एनाटॉमी में मैंने शेयर किया था वो भी स्केच, कलर स्केच था, तो यहाँ भी मैं कलर स्केच ही करूँगा, ये आपको हेल्प करेगा आगे जाके, देखते जाइए क्यों हेल्प करेगा। नवदीप गुप्ता जी क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल ये सेव रहेगा, हमेशा ही रहता है। अब अगेन ये डार्क कलर जो ब्रंट अंबर है, इसको मैं, क्योंकि डेप्थ है इस एरिया पे, कॉर्नर पे हमेशा होता है, तो उस केस में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा तो नहीं बोलूँगा, बहुत ज़्यादा ही है, इसको यहाँ से इस एरिया पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एरिया पे, देखिए ये जो लाइन है आईलेट का जो लाइन है, इस लाइन पे आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि इस लाइन से शेडो आ रहा है नो डाउट, तो इस केस में आपको इस एरिया पे भी करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पे होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा ये ब्रांड सी आना यहाँ पे आ गया है, थोड़ा सा इस एरिया पे, थोड़ा सा मधु जी पेंसिल और स्टिक, एक्चुअली स्टिक तो एकदम मस्ट है, वो आपको चाहिए ही चाहिए, स्टिक के बिना कुछ नहीं होगा, ठीक है, स्टिक चाहिए आपको, अदरवाइज पेंसिल जो है, पेंसिल आपको ये जो आपका ये शार्प डिटेल्स हो गया छोटा मोटा, वो उसके लिए है, ठीक है, क्योंकि उसको आपको करने के लिए वो बड़ा स्टिक उसमें ऐड नहीं होता है, तो उस केस में आप कलर पेंसिल यूज़ करता हूँ कभी कभार, अदरवाइज पेस्टल पेंसिल जो कि बेस्ट है इसी के लिए है,
स्टिक के बिना तो होगा ही नहीं, क्योंकि बड़ा एरियाज जो होगा उसको आपको स्टिक से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल रफ स्टाइल में डेमो देने के लिए, देखिए रफ स्केच भी आप लोग कीजिए, कलर से भी स्केच कीजिए, नो डाउट। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा नहीं, मैं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं होना है, अगर आपने स्केच का तो वर्कशॉप करेंगे आप लोग या फिर फ्री डेमोज भी करेंगे, तो उसके बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने से आप लोग पेंसिल से भी डायरेक्टली स्केच कीजिए, थोड़ा सा फन होगा, अदरवाइज लर्निंग बहुत होगा उसमें, स्केच कर रहे हैं डेफिनेटली। और अभी हम ये जो आई वॉल है, आई वॉल को हम पहले कर लेना चाहिए एक्चुअली। ब्रंट सियाना लेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी स्टिक से हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ऐसा अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पेंसिल से ही करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अगर पॉसिबल नहीं होता है जिस एरिया पे, उस एरिया पे आप पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ पे भी मैं ईजिली यूज़ कर सकता हूँ स्टिक को, यूजली हम यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ा सा। चलिए ठीक है, ये एरिया इसके बिना तो इसका विजिबिलिटी होगा ही नहीं, तो उस केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी देखिए अंदर का जो पार्ट है, अंदर का जो एरिया है, उसको आपको ये पेंसिल से ही करना पड़ेगा। आपने देखा होगा सॉफ्ट पेंसिल जितना भी हमने पोर्ट्रेट किया है पहले भी, वो हमेशा हमने वो कलर पेंसिल से ही किया है, आई वगैरह। उसका रीज़न क्या था? यही था क्योंकि हमारे पास सॉफ्ट पेंसिल नहीं था, तो उस केस में हमने कलर पेंसिल यूज़ किया, तो यही रीज़न है। छोटा मोटा जो एरियाज होगा, स्मॉल एरियाज, डिटेल एरियाज, वहाँ पे आपका कलर पेंसिल अदरवाइज बेस्ट होता है, सॉफ्ट पेंसिल आपको यूज़ करना है। पेस्टल पेंटिंग है इसीलिए ऑप्शन नहीं होने से सेकेंडरी ऑप्शन कलर पेंसिल होता है, अदरवाइज ऐसा नहीं कि आपको पेस्टल पेंसिल बेकार है, ऐसा नहीं, इसको बनाया गया है इसीलिए, डेडिकेटेड पेस्टल वर्क के लिए बनाया गया है पेस्टल पेंसिल को। अब देखिए अब आपको एक्चुअली अभी आपको चाहिए, चलिए जो आई है आई को हम कर लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम हो सकता है। तो उस केस में देखिए ये ब्रंट सियाना लूंगा, देखिए ये ब्रोन आई है, आई थिंक मैं पहली बार कर रहा हूँ, ज़्यादातर ब्लू या फिर ब्लैक ही होता है। तो चलिए ब्रंट सियाना से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए एकदम सिंपली, कोई प्रेशर नहीं है, बिल्कुल इस मिडिल पार्ट को रख दीजिए, इसको आइरिस बोलते हैं शायद, प्यूपल बोलते हैं, तो इसको आप रख दीजिए बिल्कुल, इसको टच मत कीजिए, और बिल्कुल रफ स्टाइल में बीच में हाईलाइट रख दीजिए सिंपल। और ऑब्वियसली जो हाईलाइट है इसको आपको वाइट करना पड़ेगा अफसोस, क्योंकि जो एरिया है आप देख सकते हैं, जो पेपर है वो बिल्कुल ग्रे कलर में है, तो व्हाइट तो दिखेगा नहीं, आपको व्हाइट करना पड़ेगा। तो देखिए ब्लैक कलर ले रहा हूँ मैं, और ये अगर मान लीजिए मेरे पास अगर नहीं होता तो मैं क्या करता, कलर पेंसिल का यूज़ करता। तो इसीलिए मैं इस पेस्टल पेंसिल का रिकमेंड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रोफेशनली कर पाए, अदरवाइज नहीं है तो कीजिए कलर पेंसिल का यूज़, कोई बात नहीं। बट बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि वर्कशॉप बहुत सारा आ रहा है फ्री में भी पूरे साल तक। यहाँ से आप ठीक है, थोड़ा सा देखिए ये ब्लैक कलर थोड़ा सा केयरफुली कीजिए, ठीक है, ब्लैक है ऑब्वियसली, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कलर है, और ब्लैक एक ऐसा कलर है, उसको उससे ब्लैक से अगर कोई भी मिस्टेक आपने किया तो आपका पेंटिंग गया। तो बी श्योर जब भी ब्लैक यूज़ करें थोड़ा सा केयरफुल हो जाए और कन्फर्म हो जाए, पूरा श्योरिटी होना चाहिए कि आपको कहाँ पे करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे है नो डाउट, तो यहाँ पे हमें करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, पेपर है पूरा का पूरा डार्क होता है, ठीक है। अब ब्रंट सियाना लीजिए, ब्रंट सियाना नहीं सॉरी, ये ब्रंट अंबर, ये सीपिया लिखा है बट ये ब्रंट अंबर जैसा ही है, चलिए इसको ही करते हैं।
एक्चुअली इंडियन लैंग्वेज में यहाँ पे यूज़ नहीं किया गया, पेरिस का है। अब इस एरिया पे देखिए, ये जो ब्लैक जहाँ से एंड हुआ है, देखिए ब्लैक कलर जहाँ से एंड हुआ है वहाँ से ही मैं इस कलर को टच करके, देखिए इस ब्रंट अमर को टच करके यहाँ तक मैंने किया। अगेन थोड़ा सा हमें फेड करना था इस एरिया को, तो उस केस में मैंने कर दिया। अब एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, वो है अगेन ब्लैक कलर लेंगे। ब्लैक कलर लेके इसका जो आउटलाइन होगा, ऑब्वियसली आउटलाइन आउटलाइन ये बोल सकते हैं, बट साइड से आपको एक डेप्थ मिल ही जाता कोई भी आई बॉल पे। अगर ब्लू होता तो डार्क ब्लू से होता, देखिए टूट गया। इसका तारीफ तो कर रहा हूँ, आई होप कि ये उतना बुरा ना हो। धीरे से, अब यही चीज़ अगर आप कलर पेंसिल से करते थे तो ये डिफरेंस क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता, टूट गया। और चलिए इसका शार्प करने जाऊंगा तो और भी टाइम चला जाएगा, तो इसी से करते हैं। पेंसिल ये है, इसका लेड है मेरे पास है, तो उसे क्या यूज़ कर रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको ये यहाँ से अब ब्लेंड कीजिए। ब्लेंडिंग का काम स्टार्ट होगा अभी, बट अगेन मैं तो आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप थोड़ा सा अंदर से जो एरियाज है उसको आप थोड़ा सा, देखिए इसके साथ थोड़ा सा मिक्सअप है तो इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा ब्लेंडिंग आप अंदर से दे सकते हैं, ब्लेंडिंग नहीं, थोड़ा सा कलर ऐड कर सकते हैं, डार्क पिच मीडियम पिच आप थोड़ा सा अंदर स्किन टोन को समझाने के लिए इस वाले एरिया पे आप थोड़ा सा, बाकी का एरिया तो व्हाइट होगा नो डाउट, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा देना पड़ेगा स्पीच कलर, ताकि थोड़ा सा नेचुरल लुक आए, उतना ज़्यादा ब्लैंक नहीं रख सकते आप। देखिए ब्लेंड करेंगे धीरे से, स्लोली स्लोली। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक ऐड कर सकते हैं, देखिए इस एरिया पे थोड़ा सा, ठीक है। ब्लैक कलर साइड पे, क्योंकि देखिए डेप बहुत ज्यादा है इस एरिया पे, तो यहां पे थोड़ा सा आ जाएगा, देन यहां पे भी थोड़ा सा आएगा, ठीक है, देन इस एरिया पे थोड़ा सा, यहां पे तो ऑब्वियसली। चलिए अभी देखिए, गीता राघव जी पेंसिल और स्टिक दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही यूज़ करना पड़ेगा आपको। कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल तो यूज़ ही करना पड़ेगा आपको, अगर पेस्टल पेंसिल नहीं है, पेस्टल पेंसिल और पेस्टल स्टिक दोनों यूज़ करना पड़ता है, दोनों का पर्पस अलग है। थोड़ा सा ये ब्रंट सियाना दे दिया, देखिए कलरिंग आपको ऐड करते रहना है, देखिए कलर आपको ऐड करते रहना है। बहुत ही सुपर स्मूथ हो रहा है इस पेपर पे स्पेशली। मैं रेकमेंड करूंगा कि ग्रे अगर आपको नहीं खरीदना है तो आप लोग ये कोई भी व्हाइट कलर का सेम चीज़ मैं आपको ऑप्शन दे दूंगा, लिंक से आप लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। फिंगर को ऐसे पॉइंटेड करके करना है, सॉफ्ट पेंसिल का अगर ऑलरेडी आप लोगों ने किया तो इजिली कर लेंगे, ठीक है। चलिए
टेन इस एरिया से। थोड़ा सा इसको कॉर्नर पे शेडो था उस हिसाब से हमने कॉर्नर से किया और एग्जैक्टली इसको यहाँ पे ला रहे हैं। देखिए रफ में कीजिए, रफ स्टाइल में कीजिए, लर्निंग है और थोड़ा सा एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। तो उस केस में अगर रफनेस आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। डार्क ज़्यादा हुआ है तो उस केस में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये फ्रंट सियाना लेंगे और यहाँ पे भी थोड़ा सा लिया, यहाँ पे भी एग्जैक्टली प्रिया जी एयरबड नहीं यूज़ करना है आपको। आप चाहे तो अब देखिए सब जगह पे आप हमेशा हाथ का ही यूज़ कीजिए। आपने देखा होगा जितने भी बड़े आर्टिस्ट हैं, सॉफ्ट पिस्टल का या फिर कहीं भी आपने देखा है तो हाथ से ही होता है, एक्चुअल में हाथ से ही होता है वो। एयरबड का आप यूज़ मत करिए और जो कॉर्नर्स है वहाँ पर आप पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं, वो मैं मैंशन कर दूंगा। ओवरऑल पूरा का पूरा हाथ से ही होगा, ये टोटली सॉफ्ट पिस्टल हाथ से ही होता है। पेपर स्टम्प जिन जगह पे आपका हाथ पहुंचता नहीं है वहां पे आप पेपर स्टम्प यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टेन यहां से, सबसे इम्पोर्टेंट अभी देखिए ये एरिया सबसे इम्पोर्टेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पे अगर ये हम ऐड नहीं करेंगे, देखिए ब्रंट से है ना, ब्रंट अंबर लेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे डेप्थ आएगा, डार्कनेस आएगा इस एरिया पे, थोड़ा सा पेपर स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये एरिया हो गया, इन सब एरियाज पे आपको पेपर स्टम्प का यूज़ करना पड़ेगा। डोंट वरी, जो वर्कशॉप आने वाला है इतना जल्दी नहीं होगा, वो उसमें टाइम लगेगा। एक पोर्ट्रेट में एक्ट्रेस जो पोर्ट्रेट है वो एक पोर्ट्रेट में आप बोल सकते हैं कि एक हफ्ता लगने वाला है या फिर उससे थोड़ा सा कम लग सकता है। अनीता जी आर्ट मेट पे सॉफ्ट पिस्टल कलर पेंसिल यही है, ये आपको मिल जाएगा। आर्ट मेट में ही, आर्ट मेट में ही दिया है, एक बार मैं बात कर लूंगा, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो अमेजोन से लेना पड़ेगा आप लोगों को। अब आईबॉल को कर लेते हैं, चलिए और कोई ऑप्शन नहीं है। स्लोली आप देखिए, स्लोली स्लोली पर देखिए इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा मतलब पेंसिल जो आप देखिए कलर पेंसिल से जब भी हम आई करते हैं आप लोगों ने देखा होगा, तब उस केस में हमने कलर पेंसिल का ही यूज़ किया है, मतलब ये हाथ का या फिर पिस्टल का हमने यूज़ नहीं किया है, क्योंकि आई बहुत ही सेंसिटिव एरिया है। तो इस केस में आप ये सॉफ्ट पिस्टल पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें पेंसिल, पेंसिल एक ऐसा चीज़ है, पेस्टल पेंसिल, उसमें आपको हाथ लगाना ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये पेंसिल है, पेंसिल से ही आप ब्लेंड कर सकते हैं। देखिए स्टिक को आपको हाथ से करना होता है क्योंकि वो बहुत ही बड़ा मटेरियल होता है। देखिए इसको अगर हमें थोड़ा सा टच किया यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा टच कर दिया, हो गया। ज़्यादा नहीं करना है आपको ब्लेंड, ज़्यादा क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये हो जाता है, पेंसिल है। देखिए हम नॉर्मली अगर हाथ से भी ब्लेंड नहीं करते हैं, पेंसिल से ही कर सकते हैं, बिल्कुल कलर पेंसिल जैसा। देखिए पूजा जी कॉन्टिए पेरिस ये वाला, ठीक है। थोड़ा सा कॉर्नर से थोड़ा सा डेप्थ हमने यहाँ तक लाया, इसको हो गया फाइन। देन आपको इस एरिया पे देख सकते हैं आप, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा डेप्थ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको फेड करेंगे।
आई का ये हिस्सा, क्योंकि ये हिस्सा डार्क है तो ऑब्वियसली इस एरिया पे भी हमें अंदर भी थोड़ा सा डार्कनेस देना पड़ेगा, नो डाउट। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी आ रहे हैं। अरे यहाँ पे एक्चुअली शार्पनर का ज़रूरत पड़ गया। तो ये ब्लैक कलर को शार्प करना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लैक हमें चाहिए एक्चुअली, वरना प्रॉब्लम होगा, इम्पोर्टेंट कलर है। अजीब है, इसमें ये पेंसिल जो है ये घुस नहीं रहा है। चलिए क्या करें, अभी अब हमें यहाँ से ही करना पड़ेगा, इसको हाथ से ही करना पड़ेगा। तो इस केस में हम ये पेंसिल का जो लेड है ब्लैक कलर का, इसको थोड़ा सा इस एरिया पे, यहाँ पे डार्कनेस है तो ऑब्वियसली इस एरिया पे थोड़ा सा हमें ब्लैक कलर देख सकते हैं, अंदर भी थोड़ा सा ब्लैक होगा। इसका रीज़न है कि डार्कनेस है, राइट साइड पे आपको थोड़ा सा डार्कनेस मिल जाएगा, आई के अंदर भी डार्कनेस मिल जाएगा, ठीक है। तो उस केस में हम थोड़ा सा ब्लैक हमने यूज़ किया, नो ऑप्शन करना पड़ेगा। कलर जो है कॉन्टी अपीयरेंस जो है ये बहुत ही सॉफ्ट मुझे लगा, ऑब्वियसली ये कैमल से भी ज़्यादा सॉफ्ट है कलर, मतलब सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल जो होता है उतना होता नहीं है सॉफ्ट, बट ये स्टिक से ज़्यादा सॉफ्ट है, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा ये जो पेस्टल पेंसिल है उसी से कर दूं, इतना अच्छा लगा, थोड़ा सा डार्क आ जाएगा साइड से। बिल्कुल ब्लेड अच्छा चीज़ है, और आप लोग कटर का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शार्पनर से हो सकता है कि, क्योंकि वो बहुत ही चौकी मटेरियल है तो टूट सकता है, हो सकता है ऐसा, मैंने अभी तक किया नहीं है, बट ट्राई करके कटर का यूज़ करें, सेफ्टी कटर्स। अब बात यह था कि अंदर कैसे ये हो गया, मतलब अंदर कैसे ये ब्राउन हो गया, बट देखिए ये ब्राउन नहीं हुआ, मैं ये बोलूँगा कि ये आपका हो गया थोड़ा सा डार्कनेस, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट दीजिए, देख के आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए, अगर पेपर स्टैम्प है तो उसका यूज़ कर सकते हैं, इन सब एरियाज पे, सब एरिया पे नहीं, ठीक है। अब आप लेंगे, देखिए ग्रे कलर है बहुत ही अच्छा, पहली बार मैंने ये ग्रे कलर देखा, एक्चुअली देते ही नहीं है, मतलब ज़्यादातर जो ब्रांड्स है वो देते नहीं है ग्रे कलर। ये मुझे ग्रेफाइट लग रहा है एक्चुअली, पता नहीं इसमें ग्रेफाइट क्यों दे दिया, चलिए देखते हैं। इसका यूज कर सकते हैं हम थोड़ा सा, थोड़ा सा देखिए, देन
इसको कीजिए ब्लेंड, बहुत ज़्यादा रिमेंबर, बहुत ज़्यादा मत कर देना। अब देखिए आप वाइट कलर लेंगे, वाइट कलर लेने के बाद, ये वाइट लेने के बाद आपको इस एरिया पे करना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट आपको मिल जाएगा, थोड़ा सा। बिल्कुल यहाँ से आइए और आते हुए आपको यहाँ पे जाना है और इस एरिया से ये थोड़ा सा निकलेगा, थोड़ा सा डेप्थ और डार्कनेस यहाँ से निकलेगा, बिल्कुल ऐसे। देखिए ब्लैक कलर लेंगे, ब्लैक लेके आप बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक आएंगे। सा इस कलर को आप थोड़ा सा ब्लेंड कर दीजिए यहां से, ठीक है, हो गया। परफेक्टली ये बैठ जाएगा, परफेक्टली। थोड़ा सा देखिए स्टिक का भी यूज करूंगा मैं, थोड़ा सा। बेसिक वन और बिल्कुल ऐसा, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देने वाला, एक डेमो था और आप बोल सकते हैं कि रफ एक्सरसाइज है। एक जब भी आप स्केच जैसा करते हैं रफ स्केच, तो वैसा ही एक रफ कलर स्केच है। 1 मिनट, बाकी चीज़ों को भी देख लीजिए, काम आएगा। चलिए अभी इस एरिया पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट आपको मिल जाएगा, तो इस एरिया में हम हाईलाइट जो है देने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी। थोड़ा सा इस एरिया पे मिल जाएगा आपको हाईलाइट, थोड़ा टच कर दीजिए, परफेक्ट। थोड़ा यहाँ पे हो गया। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये हो गया, आपको इस एरिया से देखिए थोड़ा सा डार्कनेस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इतना हम इसको ब्राइट नहीं रख सकते, डार्क है तो ये भी डार्क ही होगा, ये साइड स्पेशली, ये साइड। ठीक है, देखिए टच, थोड़ा सा टच, थोड़ा सा हो गया। अब यहाँ पे आप इस एरिया पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप थोड़ा सा दीजिए, इसको देने का एक और एक भी रीज़न था, क्योंकि जो नेक्स्ट वीक जो आएगा इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इजी होगा। जो पोर्ट्रेट अभी मैं आप लोगों को कल या फिर परसों शो कर दूंगा, ठीक है, जो वर्कशॉप आने वाला है पोर्ट्रेट का, क्लासिक स्टाइल में, बिल्कुल एक किट का होगा, फीमेल किट का, गर्ल का होगा, सिंपल भाषा में बोले तो ग्रे पेपर में ही होगा। तो ये सब आप एनाटॉमी का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, और ऑब्वियसली ये स्केच का जो कंप्लीट सीरीज होगा वो आने वाला है पूरे साल तक, स्केच इम्प्रूव करने के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा ज़्यादा ब्लेंड मत करना, ज़रूरी नहीं है, इसको हम रफ ही रखते हैं, रफनेस जरूरी है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा ये ब्लैक कलर लेके इस एरियाज पे देखिए यहां पे देना। उतना में थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि बहुत ज्यादा डार्क हो रहा है, बट क्या करें, डार्कनेस जो जहां पे होता है आपका, जहां पे आपको डार्कनेस दिखे वहां पे आपको देना ही है, मतलब इग्नोर नहीं करना ये चीज।
टेन फाइनल फोर्टीन थोड़ा सा यहाँ से कलर स्केच है बिल्कुल, तो उसको कलर स्केच लिख सकते हैं। जो स्ट्रक्चर है आई का ये बिल्कुल नीचे से थोड़ा सा डार्क है एज यू कैन सी, तो इसको ये चीज़ भी आपको शो करना है ये डेप्थ। और एक चीज़ ये लाइट पीछे लेके देखिए, क्योंकि ये जो एरिया होता है हमेशा हमेशा ये आपको दिखेगा, अपने आई पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ये हमेशा ब्राइट होता है। यहाँ पे जो टियर होता है यहाँ पे स्टोर होता है जब निकलता है, और धीरे धीरे ये डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये ऑब्वियसली जाएगा यहाँ तक तो जाएगा, बट डार्क होके जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा स्लाइड कर दीजिए इस एरिया को, परफेक्ट। आईब्रोज को आप देखिए यहाँ से आप सिंपली, अगर आप ये स्टिक का यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है, स्टिक लेके आप ये सिंपली आप यहाँ से आईब्रोज जो है इजीली बना सकते हैं। ब्लैक कलर चाहिए एक्चुअली, आई होप यहाँ पे ब्लैक है। चलिए ये ब्लैक वाला कैमल का स्टिक है, लेके मैं यहाँ पे सिंपली आईब्रोज कर सकता हूँ, एकदम आसान है। बेसिक एक देख सकते हैं एकदम जो प्रोपोर्शन है रफ स्केच में हमने कन्वर्ट कर दिया इसका, और इस चीज़ को आप थोड़ा सा अगर ब्लेंड करके, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा, ऑब्वियसली इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में आप कर सकते हैं, जो आईब्रोज होता है उसमें डिटेल बहुत ज़्यादा होता है, बट समझाने के लिए और कुछ नहीं। अब ये ब्रंट सी है ना, ब्रंट अंबर लेके आप थोड़ा सा यहाँ पे ये डिटेल वगैरह दे सकते हैं। As you can see, रेशमी जी क्या बोल रहे हैं? जी जी बिल्कुल रहेगा, वो हमेशा रहता है जैसा मैंने बोला, तो रह जाएगा, रिकॉर्डिंग हमेशा रहता है वीडियोस का। रफ स्केच में जैसा मैंने बोला कि स्केच का एक बार आ जाएगा, आप लोग कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे कुछ दिन, देन रफ स्केच आप लोग कलर से भी कर सकते हैं, और एक्चुअल में करता भी है बहुत लोग करते हैं, और एक्सरसाइज में पड़ता है ये, स्केचिंग एक्सरसाइज में ही ये इंक्लूड होता है। ठीक है, चलिए देन आप थोड़ा सा देखिए ब्रंट सियाना लेके भी इस एरियाज को देखिए ऐसे, जो अंदर जो स्किन पार्ट होता है उसको थोड़ा सा शो कर सकते हैं आप। ठीक है, देन अब हम जाएंगे लिप पे। देखिए लिप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत लोगों का लिप इधर उधर चला जाता है, बट स्केचिंग पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ऑब्वियसली आएगा तो ज़रूर वर्कशॉप्स, बट फ्री डेमोज भी आने वाला है, बट पिक्चर्स देख के रेफरेंस देख के भी आप लोग ट्राई करें डिफरेंट लिप्स, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, अपना खुद का लिप भी ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा अजीब लगता है बट कर सकते हैं, प्रैक्टिस है, कुछ भी किया जा सकता है। घर का जो मेम्बर्स हैं उन लोगों का भी ट्राई कीजिए, पहले भी बहुत पहले ये चीज़ बोला था, यहाँ पे आप थोड़ा सा एक लाइन दे सकते हैं ताकि प्रॉपर जो है वो आ जाए, हाईलाइट लुक आ जाए यहाँ पे।
देन आप जो आईलेशेस है, देखिए आईलेशेस मैं उतना बड़ा नहीं देने वाला हूँ इस बार, मुझे देना नहीं है एक्चुअली, हैवी नहीं यहाँ पे। और होता क्या है, बहुत आपको ऐसे आई मिल जाएगा जहाँ पे आईलेशेस जो होता है वो ज़्यादा आपको दिखेगा नहीं, उतना होता नहीं है। बहुत लोगों का ऐसा भी होता है ना के बराबर होता है, ठीक है, पता है आप लोगों को ऑलरेडी। तो ज़रूरी नहीं कि आपको हर एक प्रैक्टिस वर्क में, स्पेशली प्रैक्टिस वर्क पे, ये सब आईलेशेस जो है उतना आपको हेल्प नहीं करेगा। प्रोपोर्शंस लर्न कीजिए, जो फंडामेंटल्स है वो आपको ज़्यादा सीखना है। प्रोपोर्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी चीज़ होगा। ये एक्चुअली यहाँ से आएगा, ठीक है, ये चीज़ें यहाँ से आता है एक्चुअली, ज़रूरत नहीं है, चलिए हो जाएगा। और गीता जी बिल्कुल करते हैं एक्चुअली। और यहाँ से थोड़ा सा डेप्थ हम दे सकते हैं। चलिए अभी हम लिप को देखिए कैसे कर सकते हैं। लिप को करने के लिए आप ये ऑरेंज कलर नहीं बोलूँगा बट पीच कलर से स्टार्ट कीजिए। हमेशा देखिए पीच कलर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो लाइट पीच है सिंपली आपने किया, ऑब्वियसली रेड तो होगा ही, चाहे वो देखिए जितना भी ब्राउन लिप ही क्यों ना हो, वो आपको रेडनेस थोड़ा सा देना ही पड़ेगा, वरना एक स्मोकर बन जाएगा ज़्यादा ब्लैक देंगे तो। और देखिए ब्लैक होता है वो बात नहीं है ऐसे, बट थोड़ा सा रेडनेस होता ही है, ब्लैक भी होता है तो उसमें भी थोड़ा सा रेडनेस देना पड़ेगा, वो नेचुरल होता है। रफ स्केच अगेन, और यहाँ पे कर देते हैं इसको सिंपली। कविता जी थैंक यू, पवनप्रीत जी ट्राई कीजिए, सबसे पहले वही इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए देख तो लेंगे बट ट्राई नहीं करेंगे तो इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे उसको एग्जैक्टली तो नहीं होगा। स्केच का तो बहुत ज़्यादा आने वाला है, बोरिंग वर्कशॉप होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को पहले ही ये थोड़ा सा एंटरटेनमेंट वाला चीज़ें और लर्निंग वाला, ताकि फ्यूचर में आप लोग स्केच सीखने के बाद जब करेंगे, जो लोग करेंगे एक्चुअली, तो ऑयल पेंटिंग में उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, या फिर कोई भी मीडियम पे बेसिक नॉलेज सभी लोगों को मिल गया सभी मीडियम्स के ऊपर, बट एडवांस में जाने से पहले स्केच ज़रूरी है। और इस वर्कशॉप में जो पोर्ट्रेट्स वगैरह आएगा उसमें कंप्लीट स्केच का डेमोज होगा उसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमने नीचे का हम क्या करेंगे, अभी नीचे का देखिए, हमने ये ब्रंट सियाना लिया। ब्रंट सियाना लेने के बाद थोड़ा सा यहाँ से देन मज़ा आता है, आप लोग ट्राई कीजिए एटलीस्ट, क्योंकि ये एनाटॉमी भी ऐसा चीज़ है। देखिए जितना अब डिफरेंट एंगल में भी मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ, नो डाउट डिफरेंट एंगल्स में भी हम बहुत कुछ बहुत जल्दी करेंगे, बट एटलीस्ट ट्राई करके देखिए, मतलब एक इंजॉयबल चीज़ है, मज़ा आएगा आप लोगों को, और एडिक्टिव भी है, एक बार करेंगे लत लग जाएगा इसका, आप करते ही रहेंगे। अब यहाँ से भी ब्रांड से ना देखिए, पीच कलर तो हमने कर दिया स्टार्टअप पे, और पीच कलर हमने कर दिया, देखिए जो बेसिक लेयर है इसका कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपको थोड़ा सा, क्योंकि देखिए साइड कर्व है दोनों साइड पे, और हमेशा जो कॉर्नर होता है, कॉर्नर पे जो शेडो होता है थोड़ा सा स्टोर होता है, जितना कॉर्नर होगा उतना ही शेड हो, तो कॉर्नर्स पे, और देखिए दोनों कॉर्नर्स पे हमने ये ब्रंट से ना थोड़ा सा किया, देन शिल्पी जी बिल्कुल एडिक्टेड, और एडिक्शन, ये एडिक्शन अच्छा है, ये हॉबीज का जो एडिक्शन होता है अच्छा है बाकी एडिक्शनों से, चाहे आप कोई भी गिटार हो जाए, पियानो हो जाए, मतलब कोई भी क्रिएटिविटी है, कुकिंग है, कुछ भी है, ये सब एडिक्शन अच्छा है, बाकी टीवी सीरियलों से तो बहुत ही अच्छा है। देन आपको ये अभी देखिए ब्लैक में ले रहा हूँ, ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कलर है, बट आपको ये जो लाइन है देखिए बीच में,
ब्लेड दीजिए एक। अब इसको शार्प करना पड़ेगा एक्चुअली, बट मैं इसको तब तक मैं इसको थोड़ा सा हाथ से कर लेते हैं। देखिए ये जो डेप्थ लाइन है, मतलब जहाँ पे ये दोनों लिप अपर एंड लोअर लिप जहाँ पे कनेक्टेड होता है, तो ऑब्वियसली जो खुलता है उसका एक लाइन होता है बीच में, दोनों दोनों लेयर का जो लिप है, मतलब दोनों ऊपर अपर लिप एंड लोअर लिप जहाँ से ये जो जुड़ता है वहाँ पे ये लाइन तो बनता है। तो उस केस में ये लाइन थोड़ा सा आपको डार्क वे में आपको दिखाना पड़ेगा। देखिए तो इसको हमने कर दिया बिल्कुल 57। चलिए अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा अभी तक देख रहे हैं आप लोग, दैट मीन्स अडिक्टेड हैं। चलिए देखिए इन सब चीज़ों का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ बट मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। कटर जो है ये अभी स्टूडियो पे है, मैं तो घर पे कर रहा हूँ अभी, तो उस केस में ब्लेड यूज़ करना पड़ रहा है, कटर का यूज़ कर सकते हैं या फिर शार्पनर का कीजिए। देखिए अगर टूटता है, मैंने अभी तक किया नहीं इसका, पेस्टल है तो आई एम श्योर कलर पेंसिल ही टूट जाता है, तो ये क्या चीज़ है, आई थिंक कटर से करना ज़्यादा बेटर होगा। अब महंगा पेंसिल को शार्प करना मतलब अपना मतलब जो होता है ना बहुत ही दुख होता है, मतलब एक बहुत ही रिग्रेट वाला फील होता है कि जो पैसा है हम उसको बर्बाद बर्बाद नहीं बोलूँगा बट वो धीरे धीरे जा रहा है। प्रिज्मा कलर जब भी मैं शार्प करता हूँ तो बिल्कुल एक लगता है मन पे कि अभी ये जा रहा है धीरे धीरे, 8,000 रुपये धीरे धीरे गायब हो रहा है। तो वही है अब ये इसका छोटा होना मतलब स्टार्ट हो गया, अभी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, 1 साल में तो खत्म होगा अगर आप एग्रेसिवली करते हैं तो। थोड़ा वेट करें ठीक है, नया साल आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है वो भी डेफिनेटली जो पहले कभी नहीं हुआ। चलिए इसको मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लेता हूँ वरना बाद में ये पुतना टूट जाएगा। गीता राघव जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए और यहाँ से डार्कनेस हमने कर दिया थे ठीक है, तो डार्कनेस का काम ऑलमोस्ट खत्म। और यहाँ से बिल्कुल ऐसे ओके, चलिए अभी देखिए अभी आपको लेना पड़ेगा ये ऑरेंज कलर जो है, ऑरेंज में यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑरेंज यूज़ नहीं करते हैं बट और कोई ऑप्शन है भी नहीं, चलिए ऑरेंज को यूज़ करते हैं या फिर रेड है रेड को यूज़ करूँगा मैं, स्टिक है नो ऑप्शन स्टिक को यूज़ करते हैं। चलिए आप लोगों के लिए मैं पहली बार पहले कभी किया नहीं है मैंने, पिंक कलर को यूज़ करते हैं, लेट्स सी अच्छा हो जाना चाहिए बट थोड़ा नेचुरल लुक आ जाएगा क्योंकि हम कंप्लीट पिंक तो है अभी तो, देखिए पिंक तो कर रहे हैं बट इसको कंप्लीट पिंक नहीं करेंगे, इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक दे देंगे हम, देखते रहिए। वो देखिए हाईलाइट आपको देना है क्योंकि देखिए लिप एक थोड़ा सा शाइनी बॉडी पार्ट होता है, तो उस केस में थोड़ा सा थिन स्किन होता है, उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होता है जो भी कलर होता है, अगर वहाँ पे अगर लिपस्टिक वगैरह है तो और भी शाइन होगा नो डाउट। तो यहाँ पे आपने थोड़ा सा ये हाईलाइट रख दिया। प्रीति जी ये 1 महीने से ज़्यादा लगेगा नो डाउट, डिटेल वाला है और उतना जल्दी मैं करता नहीं हूँ और टाइम लगता ही है थोड़ा सा, वीडियो हमेशा रहेगा वो, उसका टेंशन लेने का आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो कभी डिलीट नहीं होगा। रेड अगेन ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा ब्लेंड करता हूँ उसके बाद देखते हैं क्या होता है, जो रेड है वो तो चाहिए ही, थोड़ा सा रेड
से अपर लिप जो है, अपर लिप में अगर थोड़ा सा डार्कनेस आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपर लिप है तो आ सकता है, बट लोअर लिप पे आपको थोड़ा सा ये हाइलाइट्स के लिए थोड़ा सा आपको ये रखना है, छोड़ दीजिए, वाटर कलर में हम जैसा करते हैं वैसे ही है। शिल्पी जी, लास्ट डे ऑफर का जो है मैंने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, क्योंकि मुझे ये जो डेट है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, 3 दिन उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा, 17 से स्टार्ट करना पड़ेगा मे बी, क्योंकि स्टूडियो का जो है वो शिफ्टिंग डेट उसी दिन पे होने वाला है, उस 13 या फिर 14 पे होने वाला है, पहले एक्चुअली पता नहीं था, 3 दिन कोई बात नहीं हो जाएगा, 17 या फिर 16 से हो सकता है, 2 दिन का भी पोस्टपोन हो सकता है, उस केस में मैंने इस साल पे 350 रख दिया इसको, ठीक है। तो ऑफर जो है वो इसी साल तक है, 350 तक आपको मिल जाएगा, 31 तक। अब यहाँ से हम पीच कलर करके स्किन पार्ट है तो ऑब्वियसली स्किन पार्ट को देखिए, यहाँ से भी एंड देन आपको ब्रंट सियाना लेना है, ब्रंट सियाना लेने के बाद यहाँ से देन यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए, यहाँ पे डीप डेप्थ होता है इस एरिया पे बिल्कुल बीच में लिप के, तो इस केस में मैं इस एरिया को छोड़ के यहाँ पे कर दूंगा, एंड अगेन यहाँ पे थोड़ा सा हो जाएगा, शिल्पी जी बिल्कुल एंड ऑफ दिसंबर 31st, और ये ब्लैक लेयर यहाँ तक आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पे टच हो जाएगा, ये शेडो वाला एरिया तो टच हो सकता है, सिंपल थोड़ा सा डार्कनेस थोड़ा सा इस साइड पे, ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा हम इसको इंक्रीज कर देते हैं, देखिए ब्लैक जो है थोड़ा सा अंदर एंटर कर दिया हमने, थोड़ा सा करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि देखिए डार्कनेस जो है वो अगेन राइट साइड से है, धीरे से यही सब चीज़ें आपको फ्यूचर में ध्यान रखना है, ये सब चीज़ें कहाँ पे कितना शेडो, कहाँ पे हाइलाइट्स, वैल्यू कहाँ पे कितना है, वही सब चीज़ें मायने रखता है एक्चुअली। मैंने सोचा था कि नहीं आई कर देते हैं और बाकी चीज़ें हम कल भी कर सकते हैं या फिर परसों कर सकते हैं, बट नहीं, इसको फिर से पोस्टपोन करना ठीक नहीं होगा, आज ही इसको ख़त्म करते हैं, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाए, आप लोग देखिए इसको एक ही वीडियो पे आप लोगों को मिल जाएगा, प्रैक्टिस कीजिए देन डिफरेंट शेप्स में एनाटॉमी स्केच में आ जाएगा बहुत जल्दी, जैसा मैंने प्रॉमिस किया नए साल आते हुए ही 1 तारीख पे लॉन्च कर दूंगा उसको, तो कंप्लीट स्केच को सुधारने के लिए आपको एक मौका मिल जाएगा, और प्रैक्टिस ज़रूर करना है आपको, ऐसा नहीं कि वन टाइम में हो जाएगा, प्रैक्टिस ज़रूरी है स्केच में, स्केच एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, स्केच क्या पूरा पेंटिंग प्रोसेस ही लॉन्ग टर्म होता है, अदरवाइज स्केच में थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज है, जितना आप करेंगे उतना वो इम्प्रूव होता जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो एरियाज होता है लोअर लिप के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पे आप देख सकते हैं चिन का, यहाँ पे थोड़ा सा कर्व होता है चिन के बीच में, थोड़ा सा डेप्थ होता है, तो उस केस में हमने यहाँ पे डार्क दिया, बट इन सब एरियाज पे ये ओपन एरिया होता है बिल्कुल ये चिन जैसा, तो यहाँ पे भी लाइट होता है, तो ये लाइट पिच लेके आप थोड़ा सा कर देंगे, ज़्यादा ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि इस साइड पे आपको थोड़ा सा डार्कनेस ही देखने को मिलेगा लाइटिंग कंडीशन के ऊपर, लाइट यहाँ पे थोड़ा सा कम है, मैं इस लिप के ऊपर बोल रहा हूँ, अदरवाइज बाकी लिप मतलब कोई भी अगर अलग आप पेंटिंग करते हैं तो उसमें अलग हो सकता है, लाइट यहाँ पे लेफ्ट साइड से आया है तो ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे लाइट ज़्यादा होगा।
हम यहाँ पे थोड़ा सा अगर ब्रांड से ना करना पड़ेगा हम। ठीक है, पेपर देखिए, पेपर का तो मज़ा ही अलग है, मतलब मज़ा लग गया मुझे। और क्लासमेट का भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने उसको पहले यूज़ किया है तो मैं उसका रिव्यू नहीं दूंगा। नो डाउट आप खरीद सकते हैं, क्लासमेट का भी बुरा नहीं है। अगर बजट बजट नहीं बोलूँगा, अगर आप लोग को ये मिल नहीं रहा या फिर खरीदना नहीं चाहते हैं, बहुत रीज़न हो सकता है, तो आप लोग क्लासमेट का लीजिए। अदरवाइज़ मैं बाकी पेपर्स का रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्वालिटी नहीं आएगा। देखिए क्लासमेट का वो स्पेशली उसको पेस्टल के लिए बनाया नहीं गया है, बट वो पेपर अच्छा है, टेस्ट करने के बाद मुझे अच्छा लगा। अभी देखिए, अभी ये जो ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर आपको ये जो डेप्थ है लिप में, इसको आपको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। अपर लिप में मैंने क्या बोला था, डेप्थ होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से दिया आपने ऊपर से, तो अपर लिप पे मैंने थोड़ा सा डेप्थ दे के, देखिए बिल्कुल ऐसे। ठीक है, देन प्रीति सिंह जी, वाटर कलर जो है वो तो कल आएगा, और अगर आप वाटर कलर ग्रुप में हैं तो वो आपको मिल जाएगा टाइमली, कल रात को मिल जाएगा आपको। स्केच का आएगा पहला, लेडी का जो है, स्पेनिश लेडी, या फिर मैं इस बार सोच रहा हूँ कि स्केच का एक रॉ स्केच करके दे दूँ, उसको देख के आप लोग कर ले थोड़ा सा लाइन वाइन देके। ठीक है, वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि स्केच का मैंने देखा है वीडियो देके कोई फ़ायदा होता नहीं है, वो आप लोगों को पहले वो सीखना ही पड़ेगा, स्केच का पूरा वर्कशॉप ही लाना पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि कलरिंग का या फिर स्केच का ही दे देते हैं, चलिए वही अच्छा होगा, लास्ट है, देख लीजिए। यहाँ से श्रुति जी कैसे हैं, थैंक यू सो मच। देन यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, अपर लिप पे मैंने ये थोड़ा सा डार्कनेस क्यों दिया, देखिए ये राइट साइड वाला लिप है, तो उस केस में क्या बोला था मैंने, राइट साइड पे थोड़ा सा डेप्थ है, थोड़ा सा डार्कनेस है, तो इस लिप पे भी थोड़ा सा डार्कनेस होगा, देखिए बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, देन देन क्योंकि देखिए ये एरिया बिल्कुल ऐसे फ्लैट सरफेस में आता है, बिल्कुल ऐसे बेंड होता है, अदरवाइज यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा डेप्थ मिल जाएगा, तो उस केस में यहाँ पे भी मैंने डेप्थ ऐड कर दिया है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देन यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, देन अगेन इस एरिया से आपको अगेन ये डेप्थ लाना है, देखिए इमिडिएटली ये बेंड हो गया, मतलब कर्व हो गया यहाँ से, तो इस केस में यहाँ से थोड़ा सा आ जाएगा, एंड देन ब्रंट सियाना लेके आप यहाँ पे देखिए लाइंस में कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइंस पे, ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब एकदम कर्व लाइन या फिर नॉर्मल जो फ्री हैंड में, फ्री हैंड नहीं बोलूँगा, मतलब जो हम फ्लो में करते हैं वैसा नहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने एंगुलर शेप में किया, जो स्केच में जैसा होता है वैसा किया हमने, देखिए ऐसे 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 ऐसे, हैचिंग में बोल सकते हैं सिंपल भाषा में अगर बोले तो। फाइन, ठीक है, तो ये बेसिक आपको देख सकते हैं, तो ये प्रॉपर ऐसा आप बोल सकते हैं, और यहाँ से एक कोई भी लिप का जहाँ पे ये जॉइनिंग पार्ट होता है लिप का, तो वहाँ पे एक थोड़ा सा एक स्किन लाइन ऐसा होता ही है, मतलब जहाँ पे बोल सकते हैं कि लिप का
कनेक्टर बोल सकते हैं, ये भी यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से भी आप थोड़ा डार्क कीजिए इस एरिया को, थोड़ा सा हो जाएगा परफेक्ट। एंड देन इस डेप्थ एरिया में, जो चिन का जो डेप्थ एरिया है वहां पे आपको थोड़ा सा करना है, ठीक है फाइन। शेडो बहुत ज्यादा है, यही रीजन है कि यहाँ पे पूरा का पूरा देख सकते हैं डार्क ब्लैक है। इसका रीजन है कि शेडो बहुत लेफ्ट साइड से बहुत ज्यादा, राइट साइड से बहुत ज्यादा शेडो आया है। बिल्कुल रफ स्केच है, और देखिए हैचिंग टेक्निक में कर रहा हूँ, मतलब जो हैचिंग टेक्निक होता है स्केचिंग में, स्केच का ही था ये, और थोड़ा डेमो था, और जो एनाटॉमी का जो कलर स्केच था वो था, कलर स्केच का डेमो था। चलिए ठीक है, और अभी आप फाइनली आप ये चीज़ कर सकते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपने टच कर दिया, यहाँ पे थोड़ा सा, ये सब चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बहुत बार बोला है, हाइलाइट्स वगैरह कितना इम्पोर्टेंट होता है। ठीक थोड़ा सा टचअप रीटच करना जरूरी है। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है हाइलाइट, यहाँ से आ रहा है हाई, जो लाइट जो है यहाँ से आया, यहाँ पे कर्व है थोड़ा सा, ऐसे अपर कर्व बोल सकते हैं, ऐसे घूम गया है, तो यहाँ पे टच हुआ लाइट, लाइट का जो सोर्स है थोड़ा सा टच हुआ यहाँ पे। चलिए अब हम, निशा जी रिकॉर्डेड रहेगा हमेशा, ठीक है हमेशा रहेगा। नोस का अभी हम अगर देखें तो, एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए, अभी थोड़ी देर में आ रहा है, नोस का भी करके इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम इस एरिया पे थोड़ा सा देखिए, अभी लाइट पिच से करते हैं, क्योंकि देखिए जो ये नोज हो गया, नोज का देखिए यहाँ पे आपको हाईलाइट मिल जाएगा, इस एरिया पे हाईलाइट है बिल्कुल, हैचिंग टेक्निक, हैचिंग इसको बोलते हैं, देख लीजिए एक बार क्रॉस हैचिंग, आप इसको क्रॉस करते हैं, क्रॉस हैचिंग बोलते हैं। स्केच वर्कशॉप में हम लोग ये सब चीज़ें इसको पहले लर्न करेंगे टेक्निक्स को, देन हम ड्राइंग करेंगे ही नहीं, क्योंकि बहुत कुछ जानने का, नॉलेज का मतलब नॉलेज बहुत कुछ लेना है पहले।
मतलब पेंसिल पकड़ने का तरीका बहुत कुछ है, ऐसे एक्सरसाइज होता है हाथ का, बट स्टार्टिंग हम नहीं करेंगे, बेसिक से करेंगे। ठीक है, चलिए। रिंकू जी हेलो, थोड़ा सा आप यहाँ से देखिए, जैसा हमने स्केच किया था वैसा ही मैं मूव कर रहा हूँ पेस्टल पेंसिल को भी। अभी देखिए स्टिक से कैसे किया जाता है, ऐसा नहीं कि स्टिक से नहीं होता, इजीली होता है। स्टिक यहाँ पे हो गया, ये आपका आई थिंक ये पीच कलर ही है। हाँ ये पीच कलर है, थोड़ा सा अलग पीच है। तो चलिए अभी स्टिक से ही करते हैं। तो यहाँ पे दिया थोड़ा सा, 1 मिनट। चलिए देन थोड़ा सा यहाँ पे ये चीक बोन का जो मतलब जो लेयर है, जहाँ से ये फ्लैट सर्फेस में कनेक्टेड होता है, नोज का जो बोन है, बीच का जो बोन स्ट्रक्चर है, उससे ये कनेक्टेड होके चीक साइड वे में जाता है ऐसे, ठीक है, नीचे तक आता है ऑब्वियसली। प्रियंका जी, शीट जो है ये ग्रे शीट है और पेस्टल शीट ही है, आर्ट एसेंशियल एक ब्रांड है, आपको मिल जाएगा। और ग्रुप को अगर ज्वाइन किया तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा। अगर आप लोगों ने वर्कशॉप भी ज्वाइन नहीं किया तो नॉर्मल ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, बाद में। तो इसको आप कर सकते हैं एग्जैक्टली। और थोड़ा लंबा हो गया बट क्या करें, देखिए अभी कंप्लीट डेमो है, डेमो तो नहीं बोला जाता बट वर्कशॉप ही है, बट समझाना पड़ता है तो थोड़ा टाइम लग जाता है। यहाँ से हाइलाइट्स को आइडेंटिफाई किया और कर दिया मैंने, सिंपल हो गया। अब अगर हम ये ब्रंट से आना से स्टार्ट करें तो नो डाउट अच्छा ही होगा। तो यहाँ से चलिए स्टिक से करते हैं इसको, हम ज़्यादातर जो है इस नोज़ वाला पार्ट को हम स्टिक से ज़्यादातर करेंगे, ठीक है, स्टिक ज़्यादा यूज़ करेंगे इसमें। तो एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि स्टिक से भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो किया जाता है। एक्चुअली नोज़ हो गया, देन बाकी चीज़ें हो गया, वो आपको करना है पेस्टल स्टिक से, नो डाउट, मतलब नोज़ और आई के अलावा, क्योंकि ये सब चीज़ें छोटा होता है। बट चीक, फॉरहेड, हेयर्स, बैकग्राउंड, एंटायर जो प्रोसेस होगा वो स्टिक से ही होगा। एक्चुअली यहाँ से साइड में हो गया, चीक बोन का फोल्ड जहाँ से ये स्माइल आता है वही पार्ट है ये, ठीक है। आप लोग कृपया इसको अगर शेयर करेंगे और रेकमेंड कीजिए लोगों को, नए हैं तो, और भी लोग अगर सीखना चाहते हैं तो उन लोगों को रेकमेंड कर सकते हैं कि इस टाइप का एक पेज है जहाँ पे ये फ्री वर्कशॉप वगैरह आता है। और अभी मुझे लेना है, चलिए प्रंसियाना इस राइट साइड से, ठीक है। देन अभी देखिए अगेन ये जो एरिया है इस कॉर्नर पे मैं थोड़ा सा कर सकता हूँ, देखिए नोज पे, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि नोज वगैरह या फिर जो ओवरऑल जो एरियाज होता है, ये छोटा एरियाज, वहाँ पे आपको पेस्टल पेंसिल से करना ज़्यादा फायदेमंद होता है, यही रीज़न होता है। देखिए एंटर नहीं होता अच्छे से, टच हो जाता है, मतलब जहाँ पे मुझे टच नहीं करना पड़ता है वहाँ पे भी हो जाता है टच, ये एक प्रॉब्लम होता है। चलिए माइक यहाँ पे पड़ा हुआ था, अभी शायद साउंड ठीक है। और इस एरिया से यहाँ पे थोड़ा सा हमने कर दिया ये, देन चलिए ब्लेंड करते हैं इसको। बेसिक ब्लेंड है पहले कर लेते हैं, उसके बाद अंदर का जो पार्ट है, ओवरऑल जो पार्ट है अंदर का इनर पार्ट, उसको हम करेंगे, ठीक है। प्रियंका जी शॉर्ट पेस्टल है,
अब आप लोगों को देखिए, अब जो डेप्थ है, डेप्थ को फॉलो करते हैं, ठीक है, डेप्थ को फॉलो करते हैं। अभी डेप्थ को फॉलो करने के लिए आप देखिए, सबसे पहले तो ये नोज का जो है, यहाँ पे आप कर दीजिए ब्लैक, पूरा का पूरा अंधेरा ही होता है यहाँ पे। मैंने तो कभी आज तक रोशनी यहाँ पे देखा नहीं। बहुत ज़्यादा बड़ा मत कर देना, इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि एकदम सब कुछ जा सकता है इसके अंदर से, छोटा होगा। थोड़ा सा साइड से आपने यहाँ पे, ओके, देन ये पार्ट, हो गया बिल्कुल। स्केचिंग टेक्निक में देखिए, ऐसे साइड तक जाइए आप, ओके, थोड़ा सा इसको निकालिए। जो रिंकल्स या फिर कुछ स्किन लाइंस होता है, स्किन टिश्यूज का जो लाइन होता है, वो आपका थोड़ा सा आ गया, स्ट्रेट जाएगा, अगेन सिंपली स्ट्रेट हो गया। ये जो साइड है, ये देखिए, यहाँ पे एक कर्व है नोज के बिल्कुल बीच वाला जो पार्ट है, यहाँ पे एक कर्व है इस कर्व के बिल्कुल साइड पे, क्योंकि देखिए शेडो जब लाइट जब ऐसे आता है साइड से, तो ये सब कर्व जो है वो 3D वे में निकल के आता है, क्योंकि इन सब एरियाज पे जहाँ पे भी आपको थोड़ा सा कर्व मिल जाएगा, वहाँ पे अगर लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब साइड से आता है, तो उन कर्व्स में लाइट पहुँच नहीं पाता है। तो उस कर्व्स में जो जहाँ पे भी थोड़ा सा डेप्थ होता है, कर्व होता है, वहाँ पे थोड़ा सा शेडो क्रिएट हो जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कॉर्नर है, कॉर्नर पे स्पेशली शेडो आ जाता है। ये पेंसिल है आपका क्वांटिए पेरिस। मैं आप लोगों का लिंक चाहिए, अगर ज्वाइन भी नहीं किया आप लोगों ने वर्कशॉप, तो फिर भी मैं बाद में दे दूंगा एक बार नॉर्मल ग्रुप पे, ठीक है, अगर चाहिए तो। पेस्टल पेंसिल है ये, तो डेप्थ होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए आई तो होगा नहीं, ये ऑलमोस्ट आप एनिमी टाइप का बोल सकते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे हम खाली रखेंगे एंड इस एरिया पे स्टिक लेते हैं, जल्दी होगा, इन सब केसेस में आप स्टिक ले सकते हैं। देन अगेन, क्योंकि ये शार्प एरिया है, तो उस केस में अगेन मैं यहाँ पे पेंसिल का यूज़ करने वाला हूँ। ज़्यादा ब्लैक मत यूज़ करना, क्योंकि देखिए लाइट इस साइड से आ रहा है, तो ब्लैक का काम यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, उस चीज़ का याद रखें हमेशा। वहाँ पे ही करें जहाँ पे है, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे करना है आपको। अब ये आपका हो गया ब्रंट अंबर। ब्रंट अंबर क्यों? क्योंकि देखिए डार्कनेस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हम ब्रंट अंबर थोड़ा सा देखिए, जो बीच का जो लाइन है नोज का जो स्ट्रक्चर है, देखिए बोन स्ट्रक्चर, यहाँ से हम साइड से थोड़ा सा ब्रंट अंबर कर रहे हैं, यहाँ तक आएगा, थोड़ा सा यहाँ से देखिए इस पार्ट पे, नोज के बीच में नहीं कर रहा हूँ अभी, अभी मैं कर रहा हूँ जो साइड वाला जो पार्ट है होल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे। श्रुति वर्मा जी, हाँ कलर इरेज कर सकते हैं, कोई बात नहीं, बट बहुत ज़्यादा अगर कलर ऐड कर दिया तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम लग जाता है कलर को इरेज करने में। थोड़ा सा हम इसको फील करते हैं, और यहाँ पे हाईलाइट के लिए मैंने जगह छोड़ दिया, देखिए सिंपली। सिंपली इसको हो गया, चलिए इन सब चीज़ों को कीजिए अभी। अब इसको करेंगे ब्लेंड, देखिए हाथ से स्लोली, ठीक है,
देन ऊपर से आप इस एरियाज को थोड़ा सा देखिए ब्लैक कलर से आप जो हमने किया था इसको थोड़ा सा, ये इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, मतलब आई को समझाने के लिए, आई जहाँ पे सेट होता है उस एरिया को समझाने के लिए मैंने थोड़ा सा कर दिया, अदरवाइज ज़रूरत नहीं था। नोज़ का स्टडी था, एनाटॉमी का हो गया थोड़ा सा, तो उस केस में मैंने दे दिया, आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाएगा कि आई यहाँ पे सेट होता है, तो इसलिए मैंने स्ट्रक्चर वे में जो स्ट्रक्चर बोन स्ट्रक्चर जो होता है उसको मैंने रख दिया यहाँ पे, रॉ रॉ तरीके से रख दिया, बिल्कुल रॉ है, या बोल सकते हैं जितना भी हमने किया आज पूरा रॉ है। रॉ मतलब एकदम रियल, जिसमें ज़्यादा कुछ मिलावट या फिर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बहुत ज़्यादा हमने ब्लेंड या फिर ये सब चीज़ें नहीं किया, एकदम एक्चुअल में जैसा होता है हमने प्रोपोर्शंस को शेप्स को हमने लर्न किया कैसा होता है, बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं गए हम लोग। आप इस ब्रंट सियाना को कर सकते हैं साइड पे, अब देखिए यहाँ से देन ये थोड़ा सा टच होगा इस नोज पे डेफिनेटली, थोड़ा सा थोड़ा सा धीरे से स्लोली फाइन यहाँ से आप थोड़ा सा कर दीजिए ब्रांड सी ना चाहिए एक्चुअली। ठीक है देखिए ये स्टार्टिंग में ऐसा लगता है बट आप करते जाइए और प्रोपोर्शंस जो है वो धीरे धीरे आता जाएगा, और ये आपको थोड़ा सा बूस्ट देगा, थोड़ा सा कॉन्फिडेंट देगा ये करने से, क्योंकि वर्कशॉप जो है वो बॉडी डिटेल में आने वाला है, तो ऑब्वियसली उससे पहले अगर आप करते हैं करना भी चाहिए, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट जो है वो बिल्ड हो जाएगा जो कि ज़रूरी है, और उससे पहले आपको स्केच का थोड़ा बहुत तो स्टार्ट ही हो जाएगा। एक तारीख से नहीं बोलूँगा, मे बी 4 या फिर 3 तारीख से, फर्स्ट वीक से, जनवरी का पहला साल है, हम स्केच का भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी जितना टाइम जाएगा उतना ही आप लोगों का जो स्केच होगा, जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों का इम्प्रूव होता जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है, जितना आप करते हैं उतना ही फास्ट ग्रो होगा स्केच का, टोटली डिपेंड करता है आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, कितना टाइम देते हैं प्रैक्टिकली, ठीक है, सिर्फ देखने से नहीं होता है, थोड़ा ट्राई कीजिए एटलीस्ट इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपको। देखिए इस एरिया को हम थोड़ा सा ब्लरी नहीं बोलूंगा बट ऑब्वियसली इसके साथ तो आपको ब्लेंड करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो आप शो नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। फेस जब भी करें जैसा कि आप ह्यूमन फिगर करते हैं तो बहुत लोग क्या करते हैं पैर से स्टार्ट करते हैं या फिर मान लीजिए वेस्ट से कमर से स्टार्ट कर लिया, ये सब थोड़ा सा गलत हो जाता है, हेयर से स्टार्ट कर लिया, आप हमेशा फेस से स्टार्ट कीजिए जब फिगर करें, क्योंकि तब होता क्या है ओवरऑल जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपको आइडिया मिल जाएगा प्रॉपर कहाँ पे कितना होगा, क्योंकि हो सकता है कि फेस जो है वो बॉडी के ऊपर ही डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा हेल्दी बोल सकते हैं कि ह्यूमन है जिसको आप कर रहे हैं तो उस केस में फेस थोड़ा सा मोटा हो सकता है, अगर आपने पहले से ही बॉडी को पतला बना दिया बट बाद में हो गया फेस आपका गड़बड़। सेम वैसे ही अगर आप पोर्ट्रेट करते हैं तो आई से पहले स्टार्ट कीजिए हमेशा, सेंटर पॉइंट है वो, ना कि आप साइड से। अब देखिए आदत कुछ लोगों का बन चुका है, बहुत आर्टिस्ट हैं ऐसे, तो उन लोगों ने लर्न कर लिया था, अभी देखिए आप अगर स्टार्टिंग से ये सब चीज़ें मतलब थोड़ा सा समझ जाएंगे कौन सा चीज़ें थोड़ा सा आसान होता है सीखने में तो आपको हेल्प हो जाएगा, कर तो कुछ भी सकते हैं वो, उसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा ये हो जाएगा डेप्थ, डेप्थ तो अभी हमने उतना दिया नहीं बट आ जाएगा, डेप्थ भी आ जाएगा, बिल्कुल हैचिंग में कर रहे हैं हम, ठीक है। पेशेंस
पेपर जो है इस टेस्ट के चक्कर में पेपर बहुत सारा वेस्ट हो गया मेरा, और पता नहीं उसका क्या करूँगा अभी। आप लोगों को डेमो देना पड़ेगा फ्री। बीच में थोड़ा सा अभी वो आ जाएगा, बट बाद में देते हैं इसको। ये उतना नीचे नहीं आता है ऑब्वियसली, यहाँ पे लिप होगा, बट डेमो था तो चलता है। यहाँ पे थोड़ा सा हाइलाइट्स आपको देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपने देखा ही होगा, देखिए इस एरिया पे क्या था, व्हाइट था, मतलब हाईलाइट होता है यहाँ पे, यहाँ से डेप्थ होता है। तो ऑब्वियसली आई जो होता है, आई का पोजीशन यहाँ पे होता है, एनाटॉमी है कंप्लीट। तो उस केस में देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डार्क किया था, तो उस केस में यहाँ पे, क्योंकि ओपन चीक होता है यहाँ पे, जो होता है चीक स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में होता है यहाँ पे आपको लाइट ही देना पड़ता है हमेशा। ऑन द अदर हैंड ये आपका हो गया चीक बोन का जो फोल्ड होने का जो तरीका होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो उस केस में आप यहाँ पे भी थोड़ा सा डार्कनेस देना पड़ेगा आपको, देखिए बिल्कुल ऐसे। ओके, ठीक है। देन अभी आपको ये ब्रन टमर लीजिए, थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा है, अब मैं भी बैठ नहीं पाऊँगा शायद ज़्यादा, बट आई होप कि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा। और पोर्ट्रेट का भी आ रहा है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, एक एक हफ्ता है आप लोगों के पास, तो नेक्स्ट वीक आपको पोर्ट्रेट का मिल जाएगा। यहाँ पे मैं देखिए अभी जो ब्लैक कलर का काम है अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ किया इस एरिया पे थोड़ा सा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर शेप में बिल्कुल ऐसे, ठीक हो गया, शेडो आ गया थोड़ा सा। देन यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको शेडो जो है थोड़ा सा देना पड़ेगा। हेमा जी, सर्टिफिकेट डिप्लोमा क्लासेस फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के फर्स्ट वीक से मैं लॉन्च कर दूंगा। वो तो कोर्सेज नहीं बोलूँगा, वो एक एकेडमी है, ये ऑलमोस्ट 8 या 9 साल से वो चल रहा है यहाँ पे ऑफलाइन, तो उस ऑफलाइन एकेडमी को ही मैं अभी ऑनलाइन करने वाला हूँ, वही डिफरेंस है। कंप्लीट एक आर्ट स्कूल ही है जो कि ऑनलाइन होगा। चलिए अभी यहाँ से आपको थोड़ा सा अगर आप दे देंगे लाइट कलर ब्रांड से, है ना, तो थोड़ा सा डेप्थ आ जाएगा, डेफिनेटली बेटर होगा, चाहिए भी। बीच में क्या बोला था मैंने, डेप्थ होता है ये इन नोज के बिल्कुल बीच में, बट आपको ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे थोड़ा सा आप शाइन दे सकते हैं उस केस में। श्रुति जी अच्छी बात है, बहुत ही स्टार्ट कीजिए। निशा जी बिल्कुल, आप लोगों को डिटेल्स मिल जाएगा, ठीक है, जब हो जाएगा मैं कंप्लीट डिटेल्स ग्रुप में और पेज में शेयर कर दूंगा। उसका वेबसाइट भी आने वाला है, वहाँ पे आप लोग फिलअप करके, फॉर्म्स को फिलअप करके, मतलब जो भी आपको कोर्सेज ज्वाइन करना है आप लोग वहाँ से ही कर सकते हैं।
है। और इस एरिया पे थोड़ा सा ठीक है, देन थोड़ा सा यहाँ पे, ये जरूरी नहीं है। अभी देखिए हाईलाइट वगैरह जो है, जैसा मैंने बोला था कि क्योंकि ये रफ स्केच है, देखिए बिल्कुल हमने स्ट्रोक टेक्निक में किया, ये हैचिंग में किया है, लाइंस है कुछ, आपको कलर मतलब लेयर पे भी आपको लाइन ही मिल जाएगा, बट इससे होता क्या, थोड़ा सा अच्छा फील होता है कि नहीं हमने ये हाईलाइट्स ऐसा चीज़ है, ये फिनिशिंग है, ये स्केच में ये उतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि स्केच पे हम लर्न करते हैं प्रोपोर्शंस को, डिटेल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं होता स्केच में, हम लाइन ड्रॉइंग के बारे में बोल रहे हैं हम, ठीक है। शेडिंग ऐड करना या फिर लेयर ऐड करना, आपका स्केच मतलब जो भी आप कर रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं हुआ, बट आपने ऐड किया अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है कि आप कलर ऐड कर रहे हैं, बट अगर आपका लाइन ड्राइंग अच्छा नहीं होगा तो वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ेगा एज ए फ्यूचर। ट्रेस करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट प्रॉब्लम फेस करना होता है, तो उस केस में आपको ध्यान देना है ये सब चीज़ें, कि यहाँ से कुछ लाइंस पे ही है चीज़ें, और यहाँ से कुछ रिंकल्स वगैरह, रिंकल्स नहीं बोलूँगा, जो स्किन लाइन होता है थोड़ा सा डेप्थ होता है, और रिंकल्स भी होता है वो ओल्ड एज लोगों का होता है, अगर आप कोई भी ओल्ड पर्सन का पोर्ट्रेट वगैरह करते हैं तो उस केस में आपको रिंकल्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे। चलिए ठीक है, एंड बहुत टाइम हो गया, आई थिंक हुआ है एक्चुअली, तो इतना ठीक है, ट्राई कीजिए। और ये एनाटॉमी का ज़रूरी था वर्कशॉप से पहले, जो कि हमेशा होता है, हर एक वर्कशॉप से पहले मैं ये दे देता हूँ फ्री में, फ्री डेमोज आ जाता है, जब तक कि वर्कशॉप में थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो, जो कि होता है। और स्केच का बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि एक समुंदर आने वाला है स्केच का एनाटॉमी का, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बाकी जगह आप लोगों को हेल्प करेगा, आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज फ्री में भी बहुत कुछ आने वाला है। बोन स्ट्रक्चर कंप्लीट, ह्यूमन का जो बोन स्ट्रक्चर होता है उसको लेके आऊँगा और उसका लर्न करेंगे हम, देन धीरे धीरे हम लेयर पे जाएंगे, मसल, देन आपका हो गया प्रोपोर्शंस, डिफरेंट एंगल्स, और लाइट एंड शेडो, स्टील लाइफ का जो ऑब्जेक्ट्स होता है स्केचिंग में, हैचिंग टेक्निक, स्टिपलिंग, रेंडरिंग, ये सब भी इंपॉर्टेंट होता है, कैसे पकड़ते हैं पेंसिल को, देन एक्सरसाइज होता है कुछ हाथ का वो भी है। चलिए ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, और थोड़ा सा इसको दूर से अगर देखते हैं आप, ठीक है, देख लीजिए रफ स्केच है, आई एम सॉरी कि उसमें उतना डिटेल देने की आपको ज़रूरत भी नहीं था, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है एक्चुअली, थोड़ा सा आप इस केस में देखिए यहाँ पे भी आप थोड़ा सा हाइलाइट्स वगैरह दे सकते हैं, हाइलाइट्स नहीं, थोड़ा सा डेप्थ आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए तो एज यू कैन सी ये हो गया, और मिलते हैं कल, और कल का जो वाटर कलर का जो स्केच होगा वो आ जाएगा आप लोगों को यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिन लोगों ने ज्वाइन किया, जिन लोगों ने नहीं किया तो लिंक मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। चलो गुड नाइट, आई होप कि अच्छा लगा आप लोगों को, ट्राई कीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए, देखिए इम्प्लीमेंट करेंगे, देख रहे हैं उसको आप प्रैक्टिकली कर रहे हैं तब जाके डेफिनेटली होगा, ठीक है, ग्रुप है वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज़ एक बार आपने स्टार्ट किया तो डेफिनेटली आप करते जाएंगे, आप स्टार्ट करने से ही होता है, स्टार्ट करने से ही जो फ्लो होता है वो स्टार्ट हो जाता है, देन अगर नहीं करेंगे तो आप हमेशा अटक जाएंगे, तो उस केस में स्टार्ट कर दीजिए जो भी हो। उमा जी कोई बात नहीं, चलिए श्रुति जी पेपर है, मैंने सब कुछ बोल ही दिया, स्टार्टिंग से देखिए, बहुत लंबा वीडियो है आज का, ग्रे पेपर है। रितु जी गुड नाइट, सभी लोगों को गुड नाइट, थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर, चलिए।